Hello. हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम वेलकम गुड मॉर्निंग आ जाइए सभी हैप्पी संडे इंजॉय योर डे गुड मॉर्निंग जुड़ जाओ सभी जल्दी जल्दी और आज हम धमाकेदार रिवीजन करेंगे पूरे सौ क्वेश्चन करेंगे ठीक है ना तो आपको जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट आंसर फटा फटा लगाना होंगे है ना हंड्रेड क्वेश्चन करेंगे अपकमिंग एस जो आपका एम आ रहा है सी आ रहा है सी आ रहा है तो हमारे सेशन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी लगाए ठीक है ना सबसे पहला क्वेश्चन विजिबल है आपको सबसे सबसे पहला क्वेश्चन विजिबल है ना चलो सबसे पहले क्वेश्चन की करेंगे बात जल्दी से आंसर 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 लगा दीजिए द द राइट राइट इज इज कॉपर देखिए घरेलू जो साधन होंगे ना डोमेस्टिक डोमेस्टिक अप्लायंस अप्लायंस उसमें अपन कॉपर लगाएंगे कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है ट्वेंटी नाइन होता है ठीक है ना जिंक का थर्टी होता है जिंक का थर्टी आयरन का छब्बीस होता है और एल्यूमिनियम का तेरह यहां पर एटोमिक नंबर होता है एटोमिक नंबर भी एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं है ना लगाते चलो सबसे ज्यादा प्रयोग मनुष्य किसका करता है लोहे का करता है मानव द्वारा सबसे पहली प्रयोग की गई धातु कौन सी है तांबा है आपको याद रखना है कॉपर और जिंक से मिलकर क्या बनता है पीतल बनता है एल्यूमिनियम अपनी ही ऑक्साइड से सुरक्षित रहता है चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या होना चाहिए तो आपको ये सारे के सारे फैक्ट पैरल जो है याद रखना है ठीक है ना चलो सेकंड क्वेश्चन लगाइए सेकंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है लगाते चलो सोनू तभी शीतल आ जाओ और आंसर लगाते चलो सबसे बड़ी जो हड्डी हो जाएगी वो फीमर हो जाएगी फीमर को थाई बोन के नाम से भी जाना जाता है मेलियस इंकस और स्टेपिस मेलियस इंकस और स्टेपिस ये हमारे कानों में पाई जाती है है ना कान ईयर और ईयर का अध्ययन क्या होता है ऑटोलॉजी होता है ईयर का अध्ययन ऑटोलॉजी होता है स्टेपिस हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है खरगोश की सबसे छोटी हड्डी भी स्टेपिस होती है याद रखेंगे हमारे कपाल में जो है आठ हड्डियां होती है हमारे क्रेनियम कपाल में आठ हड्डियां होती है पूरे चेहरे में चौदह हड्डियां होती हैं ठीक है ना टोटल हमारे पास कितनी कशेरुकियां हैं तैतीस हमारे पास कशेरुकियां होती है चलिए प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा सुलेखा जी आ जाइए क्रेजी जी सोनू जी जल्दी जल्दी लगाते चलो देखो सो क्वेश्चन करना है ना एक घंटे में सो क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा स्पीड से करेंगे प्रकाश के वेग को सबसे पहले रोमन ने मापा जुपिटर जुपिटर जो आपका प्लेनेट है उसका सबसे बड़ा सैटेलाइट है गाइनीमीड है ना गाइनिमीड और जुपिटर के बीच में है ना आ, यहाँ पर जो मोशन है उस मोशन को देखकर प्रकाश ने प्रकाश की चाल जो है रोमन ने ज्ञात की थी तीन गुणी दस की घात आठ मीटर पर सेकंड कॉपर निकस ने सोलर सिस्टम खोजा न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लो दिए गेलिलियो ने टेलीस्कोप खोजा प्रकाश के कण प्रकाश के कण सिद्धांत को भी न्यूटन ने दिया था कोटिका कोशिका में प्रोटीन सिंथेसाइज लगाते चलो फटाफट फटाफट है ना तो क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर चार पे आ गए हैं कोशिका में प्रोटीन सिंथेसाइज कहां पे होता है है ना इसकी खोज किसने की थी पेलेट ने की थी तो अगर आपसे पूछे पैलेट ग्रेन्यूल्स किसे कहा जाता है पैलेट ग्रेन्यूल क्योंकि Palad ने खोज की थी ना तो पैलेट ग्रेन्यूल जो है राइबोसोम को कहा जाता है आपसे पूछे राइबोसोम किसके बने होते हैं राइबोसोम आर आर एन ए के बने होते हैं आपसे पूछे जुड़ किससे जुड़ा होता है तो राइबोसोम मैसेंजर आर एन ए से जुड़ा होता है एम आर एन ना ये क्वेश्चन सारे के सारे याद रखना है और ट्रांसफर आर एन ए जो है आपका अमाइनो एसिड्स बनाने में मदद करता है है ना सेंट्रोसोम जानते हो सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स एनिमल सेल में होते हैं स्पाइंडल फाइबर बनाने में मदद करते हैं गोल्गी बॉडी सीक्रेटरी जो है ऑर्गन है है ना लिपिड प्रोटीन का पैकेजिंग और प्रोसेसिंग करके और कोशिका के बाहर श्रावित पदार्थों को ये श्रावित कर देता है गोल्गी बॉडी के टूटने से लाइसो लाइसोजाइम बनते हैं गोलगी बॉडी के टूटने से आत्मघाती थैलियां बनती है अभी एम में आया था आत्मघाती थैलियां किसे कहते हैं ठीक है एक धातु अति चालकता सुपर कंडक्टिविटी सो क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ा सा स्पीड रखना पड़ेगी आज देखिए एक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें निम्न ताप पर वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है।, है ना गुड आफ्टरनून जुड़ जाओ निम्न ताप पर वस्तुओं का अध्ययन वो क्रायोजेनिक्स ब्रांच होती है क्रायोजेनिक टेम्परेचर पर अति चालकता प्राप्त की जाती है ठीक है ना माइनस एक सौ तिहत्तर डिग्री सेल्सियसू सिक्स डिग्री सेल्सियस पर पारा अति चालक हो जाता है, है निम्न ताप पर अति चालकता प्राप्त की जाती है निम्न ताप को क्रायोजेनिक ताप भी कहते हैं मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग लगाते चलो और क्लास की लिंक शेयर भी करना है ना चलिए आ जाइए हाँ जी आपका आंसर सही हो रहा है सोलिट्यूड uh, जी नदीम आ जाओ सोनू दिव्या प्रियरंजन कैसे हो सुलेखा स्वाति चलिए आंतरिक अंग जो है हमारा लीवर है मानव शरीर का सबसे बड़ा एक्जोक्राइन ग्लैंड भी यही है एक्जोक्राइन ग्लैंड से आपके एंजाइम निकला करते हैं है ना और एंजाइम किसके बने होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं याद रखो ठीक है सबसे बड़ा बाहरी अंग पूछे तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे सबसे बड़ा एक्सटर्नल अंग कौन सा है आप कमेंट में बताना लाल रंग नीले रंग से किस बात में भिन्न है आप याद रखना विबग्योर है ना विबग्योर विबग्योर है ना रेड जो है सबसे ज्यादा वेग सबसे ज्यादा तरंग रेड की ही होती है सबसे कम वेग सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट की होती है वहीं पे सबसे ज्यादा ऊर्जा सबसे ज्यादा ऊर्जा वॉयलेट की होती है सबसे कम ऊर्जा लाल रंग की होती है सभी इज द राइट आंसर है ना अब हाँ स्कीन जो है आपका सही हो जाएगा सोलिटूड है ना और और किसने आंसर दिया सुलेखा ने भी आंसर दिया बहुत बढ़िया स्किन का अध्ययन डर्मेटोलॉजी होता है स्किन मानव शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग है कोशिका कोशिका में सबसे ज्यादा जो है आपका क्या पाया जाता है एटी परसेंट सेल से भी ज्यादा मनुष्य के अंदर जो है कोशिका के रूप में यानी कि बैक्टीरिया के रूप में करीब दो किलो हमने फैक्ट बताया था ना कि हमारे शरीर में दो किलो तो बैक्टीरिया ही है कोशिका के रूप में मानव शरीर में दो किलोग्राम तो बैक्टीरिया ही होते हैं चलिए तो जल इज द राइट आंसर है ना कोशिका में उपस्थित जल को क्या कहा जाता है साइटोप्लाज्म कहा जाता है साइटोप्लाज्म है ना हिंदी में इसको कोशिका द्रव्य कहते हैं ठीक है ना आगे चलते हैं मानव मानव ने जो प्रयोग करने और औजार बनाने के लिए सबसे पहले किस धातु की खोज की थी देखो धातु की भी खोज की थी मिश्र धातु की भी खोज की थी मिश्र धातु सबसे पहले खोजी गई थी कॉपर कॉपर और टीन, और कॉपरोटीन से ब्रोंज बनता है जी है ना क्या बनता है कांसा बनता है तो सबसे पहली खोजी गई मिश्र धातु ब्रोंज थी और सबसे पहले मानव ने क्या यूज किया तांबा यूज किया है ना अपन देखते हैं ना कौन सी सिविलाइजेशन में हड़प्पा सिविलाइजेशन है ना मनुष्य सबसे ज्यादा आज वर्तमान में लोहे का प्रयोग करता है और सबसे ज्यादा लालच गोल्ड का है ठीक है गोल्गी बॉडीज गोल्गी बॉडीज के ब्रेकडाउन से लाइसोजोम बनते हैं है ना आप याद रखना लयन काय भी बोला जाता है इसे लयन काय आत्मघाती थैलियां पूछा जा सकता है है ना गोल की बॉडीज का जो मेन काम है वो कोशिका के बाहर क्या लगाया आपने कोशिका के बाहर है ना श्रावित पदार्थों को श्रावण करने का इसका जो है काम है श्वसन का काम तो माइटोकोन्ड्रिया का है ना माइटोकोन्ड्रिया कोशिका के अंदर श्वसन करता है पाचक रस उत्पन्न करता है कौन लाइसोजाइम लाइसोजाइम इसमें एसिडिक हाइड्रोलिक एंजाइम होते हैं ठीक है थीके? लगाते चलो लोह चुंबकीय नहीं है लगाते चलिए देखिए तीन प्रकार के पदार्थ अपन पढ़ते हैं एक आपका होता है एक आपका क्या होता है एक आपका होता है फेरोमैग्नेटिक है ना एक होते हैं डाई मैग्नेटिक एक होते हैं पेरा मैग्नेटिक पैरा मैग्नेटिक आप जल्दी से कमेंट में बता दो कि कौन कौन से पेरा मैग्नेटिक होते हैं है ना हां महिलाओं को गोल्ड चाहिए नदीम जी सही कहा आपने डाई मैग्नेटिक हर वो पदार्थ जो चुंबक से ना चिपके वो डाई मैग्नेटिक होगा जैसे लकड़ी रबर कांच पेरा मैग्नेटिक वो जो लोहे की तरफ थोड़े से चुंबकित हो जाते हैं और इसमें लोहा निकेल कोबाल्ट और स्टील लोहा निकेल कोबाल्ट स्टील ये फेरोमैग्नेटिक आते हैं लेकिन कॉपर है ना जिंक ये सब जो है चुंबक से नहीं चिपकते हैं ठीक है ना आ, आपके ये जो है लोह चुंबकी नहीं है ये डायमैग्नेटिक में आते हैं याद रखो और आप ये भी बताना हाँ पेरा मैग्नेटिक कौन से हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन और कौन कौन से ऑक्सीजन प्लेटिनम क्रोमियम एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम क्रोमियम प्लेटिनम ऑक्सीजन ये पैरा में आते हैं पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर देखो बहुत सारे अंतर पड़े हैं एक न्यूट्रिशन का भी अंतर होता है ठीक है ना ऑटोट्रोफिक ऑटोट्रोफिकोट्रोफिक एक प्लास्टिड का भी अंतर होता है प्लास्टिड सिर्फ प्लांट में होते हैं एक सेंट्रियोल का भी अंतर अपन ने देखा सेंट्रियोल सेन्ट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में होते हैं और सेलवोल का एक जो है मुख्य अंतर है है ना सेलवोल क्या होती है

प्रकाश का रंग जल्दी जल्दी लगाते चलो सो क्वेश्चन करना है एक घंटे में तो स्पीड तो बढ़ाना पड़ेगी आ, प्रकाश का रंग किससे तय किया जाता है जैसे कि जो विब स्पेक्ट्रम बन रहा है है ना ये अलग अलग रंग किससे आ रहे हैं रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो वायलेट आप लगाना वेवलैंड ठीक है ना वेवलैंड को लेमड़ा से दर्शाया जाता है लेमड़ा ठीक है ना वेवलैंड को लेमड़ा से दर्शाते हैं श्रृंग और श्रृंग के बीच की दूरी गर्त और गर्त के बीच की दूरी लेमड़ा इसको मीटर में मापते हैं अपन। किलोमीटर तो मीटर में मापा जाता है ठीक है, है? मिटर, तो मिटर है कौन सा अंग जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होगा कौन सा जल्दी जल्दी लगा लो है ना फटाफट फटाफट लगा लीजिए कौन सा अंग जंतु कोशिका में नहीं मिलेगा देखिए यहाँ पर आपको माइटोकोडिया दो बार दे दिया ये भी मिलेगा ये भी मिलेगा ये भी मिलेगा प्लास्टिड सिर्फ प्लांट में होते हैं है ना प्लास्टिड तीन प्रकार के अपने पड़े हैं क्रोमोप्लास्ट जिससे रंग बिरंगा कलर आता है क्लोरोप्लास्ट जिससे हरा कलर आता है और ल्यूकोप्लास्ट का एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है ल्यूकोप्लास्ट ऐसा प्लास्टिड है पौधों में है ना जो कि भोजन को स्टोर करने का काम करता है तो ये जो है एनिमल सेल में नहीं मिलेगा विरंजन कैसे हमने विरंजन बनाया था याद है ना आप सभी को बुझे चूने पर बुझे चूने हैं इसको बुझे चूने पर बुझे चुने पर किसकी अभिक्रिया क्लोरीन गैस की अभिक्रिया तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बन जाएगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड और जल बन जाएगा यहाँ पर ठीक है ना और इसी को अपन क्या बोलते हैं इसी को विरंजन बोलते हैं इसी को ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं ठीक है ना ब्लीचिंग

हाँ डीकन विधि एकदम सही कहा क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि वाशिंग सोडा बनाने की साल्वे विधि H2SO4 टू एसओ फोर बनाने की संपर्क विधि और सीस कक्ष विधि भी देखते हैं अपन है ना वनस्पति घी बनाने का हाइड्रोजिनेशन चलिए प्रकाश के दो अलग अलग स्वरूप आप याद रखना प्रकाश कण और तरंग दोनों है प्रकाश कण और तरंग दोनों है यानी कि पार्टिकल भी है और वेव भी है ठीक है ना प्रकाश का चुंबकीय तरंग सिद्धांत किसने दिया था मैक्सवेल ने दिया था याद रखना ठीक है प्रकाश का कण सिद्धांत किसने दिया था न्यूटन ने दिया था और प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था ये सारे क्वेश्चन याद रखना है आपको अब देखो परावर्तन और अपवर्तन इसमें जो है तरंग होना ज्यादा पता चलता है वेव होना ज्यादा पता चलता है ठीक है विवर्तन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसमें प्रकाश का कण होना ज्यादा पता चलता है याद रखना अपवर्तन और व्यतीकरण रिफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस में प्रकाश का तरंग होना ज्यादा पता चलता है अपने को तो अलग अलग स्वरूप चाहिए थे यानी कि विवर्तन में कण होना पता ज्यादा चलता है और परावर्तन में तरंग होना ज्यादा पता चलता है तो दो अलग अलग स्वरूप हमको मिल चुके हैं द राइट आंसर इज डिफ्रेक्शन एंड रिफ्लेक्शन अलग अलग स्वरूप चाहिए थे हमको समान स्वरूप नहीं चाहिए थे ठीक है ना <coughs> अरे यही तो आंसर है इसका देखो इंटरफेरेंस किसने दिया था जैसे कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेस ने दिया था प्रकाश का इंटरफेरेंस थॉमस यंग ने दिया था थॉमस यंग ये क्वेश्चन भी बना है प्रकाश के अपवर्तन को ही स्नेल का नियम कहा जाता है हम मिनट में कितनी बार सांस लेंगे और हम एक मिनट में ज्यादा से ज्यादा चार से पांच क्वेश्चन करेंगे ठीक है चलिए सांस लेना सांस लेना ब्रीथिंग करना ठीक है ना ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन पूछा जाता है खासकर एक्सल पूछा जाता है एक्सेल कि छोड़ी गई सांस में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है 16 परसेंट छोड़ी गई सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो कितना है तो वो है चार परसेंट याद रखेंगे और छोड़ी गई नाइट्रोजन में आपका 78 एट परसेंट एक्सेल छोड़ रहे हैं सोलह से अठारह बार है ना <coughs> अच्छा सांसों की गति को किससे मापा जाता है सांसों की गति को किससे मापा जाता है कौन सा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है या साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जल्दी से बताइए रासायनिक रूप में धातु और अधातु दोनों जैसी विशेषताएं कौन रखेगा धातु और अधातु हाँ बारह से बारह से सोलह सोलह से अठारह कर लो है ना हाँ जी तो यहां पर धातु और अधातु जैसे कि मेटेलॉइड अपन पढ़ते हैं ना मेटेलोइड ग्रुप नंबर तेरह से शुरू हो जाते हैं बोरोन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक है ना आर्सेनिक एंटीमनी एंटीमनी टेल्यूरियम और पोलोनियम सात मेटलॉइड है तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बोरोन हो जाएगा बोरोन आर्गन नोबल गैस है कार्बन नॉन मेटल है जिनोन जिनोन जो है जमीन में अ, नहीं नहीं जिनोन नहीं जिनोन यौगिक बनाने वाली अक्री गैस है यौगिक बनाने वाली अक्री गैस कौन सी है जिनोन जिनोन की फ्लोराइड पाई गई है है ना यौगिक बनाने वाली अक्री गैस रेडोन जमीन में पाए जाने वाली अकरी गैस है जमीन में पाई जाने वाली ठीक है ना चलिए प्रकाश निर्वात में भी चलता है हाँ स्पाइरोमीटर इज द राइट आंसर राधे राधे जुड़ जाओ चलिए प्रकाश निर्वात में चलता है कारण क्या है देखो ऐसी तरंगे जो निर्वात में चलती हैं है ना और उनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती वो ट्रांसवर्स वेव होती हैं ट्रांसवर्स वेव ट्रांसवर्स वेव यानी कि अनुप्रस्थ तरंगे कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है अनुप्रस्थ तरंगों में दोहरी फील्ड होती है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक इन तरंगों में संवेग और ऊर्जा दोनों होता है याद रखेंगे संवेग और ऊर्जा दोनों होती है ऐसी तरंगे है ना आपके विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में होती हुई जाती हैं ठीक है थीके? और यहां पर ऊर्जा संवेग दोनों होता है ऐसी तरंगे फोटोन से बनी होती है प्रकाश का विद्युत चुंब चुंबकीय तरंग होना किसने बताया था मैक्सवेल ने बताया था याद रखना ठीक है तो दोनों चुंबक और विद्युत दोनों <coughs> टीबिया नामक हड्डी कहां पर मिलेगी हाँ स्पायरोमीटर से सांस मापते हैं स्फाइग्नोमेनोमीटर से रक्तचाप मापा जाता है ये नॉर्मल क्वेश्चन है बहुत बार रिपीट होते हैं ठीक है देखिए टीबिया और फिब्यूला टीबिया और फिब्यूला ये लेग बोन होती है लेग बोन है ना लेग बोन उसके बाद जो आपकी फीमर है फीमर सबसे लंबी हड्डी ये थाई बोन होती है थाई बोन है न स्केप्यूला शोल्डर बोन है ब्यूटी बोन केविकल है स्टेन टाई बोन है कोग्जी पूछ वाली हड्डी है ठीक है ना फेलेंगस ये डिजिट बोन हो जाएगी हमारी हाथों की हड्डियां रिस्ट को कलाई बोन बोलते हैं मेटाकार्पल को हाथ का पंजा बोलते हैं ऐसे रिवीजन करोगे मजा आ जाएगा अपर आर्म ह्यूमरस हो जाएगा रेडियस उलना लोअर आर्म हो जाएगा पेंसिल का सिक्का किसका जो है पेंसिल का सिक्का किस चीज से बना होता है है ना कॉइन ऑफ पेंसिल घुमा के पूछा गया है है ना तो पेंसिल का सिक्का इसको मशीनों में जो है एज अ ल्यूब्रीगेंट यूज करते हैं है ना ल्यूब्रिगेंट और ग्रेफाइट को न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ मॉडरेटर यूज करते हैं यानी कि विमंदक की तरह इसको यूज करते हैं ठीक है ना ग्रेफाइट तत्व में आता है याद रखेंगे एलिमेंट में आता है क्योंकि ये ओनली कार्बन से बना हुआ है कार्बन से ठीक है चलिए आप याद रखना लेड की ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है और यही वायु में जो है प्रदूषण करता है बैटरी में से निकल के जो कि हमारे तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है प्रकाश की चाल किलोमीटर पर घंटा में क्या होगी हाँ घर्षण कम करने के लिए ल्यूब्रीगेंट इस्तेमाल करते हैं और ल्यूब्रीगेंट कार्बन कार्बन सत्रह से कार्बन बीस के हाइड्रोकार्बन का मिश्रण भी होता है ल्यूब्रीगेंट है ना जैसे कि ग्रीस ग्रीस अपन यूज करते हैं जो बैरिंग होते हैं बॉल बैरिंग याद रखना प्रकाश की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ये होने वाली है ठीक है ना ये होने वाली है आप इसको निकाल भी सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं देखो तीन, तीन गुणित दस की घात आठ मीटर पर सेकंड होती है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में निकालने के लिए हमको अठारह का गुणा करना पड़ेगा आप इसका गुना करेंगे ये वाली चाल आ जाएगी है ना किलोमीटर पर घंटा में याद रखना इसको ठीक है कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है हाँ सही लगा रहे हो लगाते चलो सोनू ब्यूटी स्वाति वैष्णवी सुलेखा नदीम <coughs> है ना लगाते चलिए देखिए इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी रॉबर्ट ब्राउन कभी पूछ ले है ना नाभिक की खोज किसने की थी रॉबर्ट ब्राउन ने नाभिक के बीच में एक सघन डेंस बॉल पाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है न्यूक्लियोल्स कहा जाता है न्यूक्लियोल्स न्यूक्लियोल्स कहा जाता है ठीक है याद रखना और जीव द्रव्य जीव द्रव्य जो है प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म आप जल्दी से बताइए प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी और इसका नाम किसने रखा था दोनों चीज बताइए ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदलकर ऊर्जा देना यह क्या कहलाता है? है ना जीफी नदीम सोनू वैष्णवी स्वाति सो क्वेश्चन करना है यार जल्दी जल्दी करो पच्चीस पे आए हैं अपन देखो ग्लूकोज सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है सी ट्वेल्व एस ट्वेंटी का फार्मूला होता है याद रखना है ना ये सुक्रोज होता है सुक्रोज ठीक है <coughs> चलिए तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है जल बन रहा है और एडिनोसाइन ट्राइफोस्फेट जो कि ऊर्जा की मुद्रा होती है करेंसी ऑफ एनर्जी है ना तो इसको बोलेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया ना

अब देखो हमने यहां पर क्या देखा है कि नॉन मेटल की ऑक्साइड क्या होती है एसिडिक होती है नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक होती है और जो धातु की ऑक्साइड होती है वो बेसिक होती है बेसिक है ना तो यहाँ पर तो ये एसिडिक है और ये दोनों बेसिक है कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल में सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाता है है ना ये हीमोग्लोबिन के साथ बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाता है जो कि मनुष्य में मौन मृत्यु साइलेंट डेथ का कारण बनता है जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है ऐसा किसने बोला देखो ये आपको जानना बहुत जरूरी है इज प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म होता क्या है देखिए भौतिक स्वरूप यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है जीवन का अपन बोलते हैं ना बायो जीवन बायो जीवन क्या होता है जीवन क्या होता है जीवन तो जीवन दिखता कैसा है है ना कैसा विजिबल है जीवन दिखता कैसा है वही फिजिकल स्ट्रक्चर है है ना वट इज द प्रोटोप्लाज्म तो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ ये जूलियस हेगले ने कहा था किसने कहा था जूलियस ने तो ये दिखता कैसा है आप याद रखना ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी है और यूकैरियोटिक सेल में भी है विकसित कोशिका में भी है अ जो है अविकसित कोशिका में भी है ये तरल और ठोस से मिलकर बना है प्रोटोप्लाज्म तरल में अपन बोल देंगे ठीक है ना और ठोस में बोल देंगे नाभिक और कोशिका के अंग इसी को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है ठीक है इसकी खोज डुजर की जेई रखा किस माध, किसी माध्यम का ताप बढ़ेगा तो प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? आ, क्लासिफिकेशन हेक्सले ने? नहीं क्लासिफिकेशन तो आ, जो है आपका ने दिया था ठीक है ना क्लासिफिकेशन टेक्सोनोमी ठीक है चलो देखो प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहेगा अगर यहाँ पे ध्वनि लिखा होता तो ध्वनि का वेग बढ़ जाता ठीक है ना अगर साउंड का क्वेश्चन होता तो ध्वनि का वेग बढ़ जाता ठीक है प्रकाश की चाल पर माध्यम के ताप का कोई फर्क नहीं पड़ता प्रकाश की चाल पर माध्यम के अपवर्तनांक का फर्क पड़ता है है ना स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट या फिर ऐसा लिख दो स्पीड ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे अपूर्तनांक बढ़ता जाएगा प्रकाश की चाल कम होती जाएगी जैसे हीरे का अपूर्तनांक सबसे ज्यादा होता है 2.42 पानी का होता है एक दशमलव तीन तीन कांच का होता है एक दशमलव पांच तो हीरे में चाल जो है प्रकाश की बहुत कम हो जाती है रोस्टिंग किसका करते हैं तीन गलत कौन से गलत हो गए भैया जीव जो है जूलियस हेगले ने तो कहा था जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है जूलियस ने ने तो कहा था ट्रेविनस जो है बायोलॉजी जूलॉजी उदासीन कार्बन मोनोऑक्साइड को बोलते हैं अगर ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एरोबिक रिस्पायरेशन होगा कहा गलत हो गए बताओ कोशिका को न्यूक्लियस जो है कंट्रोल करता है <coughs> बोलो देखिए तो जो रोस्टिंग होता है आपने देखा है ना सल्फर सल्फर का एक अणु सल्फर के आठ परमाणु से बना होता है है ना सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 32 इसका द्रव्यमान है और सल्फर का जो एक अणु है वो आपका 32 8 256 सल्फर का एक अणु का द्रव्यमान 256 यूनिफाइड मास होता है तो क्या होता है कि आप सल्फर वाली अयस्क को गर्म करते हैं ना तो सल्फर गैस बनके धुआं बनके अलग हो जाता है ठीक है कैल्सीनेशन कार्बोनेट वाली अयस्क का होगा ठीक है ना आपको याद रखना है ऑक्साइड या जो मोर रिएक्टिव अयस के होती है मोर रिएक्टिव एलिमेंट निकालना होते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइसिस से अलग करते हैं सबसे भारी धातु कौन सी है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था आप कंफ्यूज हो रहे हो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था <coughs> अर्नेस्ट हेकल ने दिया था ये जूलियस हेगले है क्या करते हो चलो सबसे भारी धातु यूरेनियम हो जाएगी सबसे अंतिम प्राकृतिक तत्व कौन सा है सबसे अंतिम प्राकृतिक तत्व भी यही है और आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि मेंढलिव की अन, अ, की पीरियोडिक टेबल ने है ना मेडलिव की पीरियोडिक टेबल जो कि अठारह में आई थी उसमें अंतिम तत्व कौन सा था तो वो भी यूरेनियम ही था समृद्ध यूरेनियम किसे कहा जाता है 235 को कहा जाता है और इस 235 का ही यूज अपन न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं 238 मत लगा देना ठीक है चलिए यदि वायुमंडल नहीं होता तो प्रकाश का रंग कैसा होता <coughs> है ना यदि वायुमंडल नहीं होता तो प्रकाश मतलब आकाश का रंग कैसा होता तो आकाश का रंग काला हो जाता नो स्केटरिंग नो स्केटरिंग नो ब्लू कलर आकाश और जो है आ, समुद्र का जल जो है नीला हमें प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से दिखता है उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्त्रोत कौन सा है है ना तो उद्योगों में सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली चीज है उद्योगों में होती है भट्टियाँ और हम भट्टी में ऐसा ईंधन यूज करना चाहते हैं है ना जिसका उष्मीमान ज्यादा हो है ना आपका कैलोरी वैल्यू कैलोरी वैल्यू क्या होता है Uh, मास कम मास में ज्यादा एनर्जी दे रुको एनर्जी बाय मास आएगा हमने मास ऊपर लिख दिया उष्मी मान का फार्मूला आप याद रखना एनर्जी बटे में मास तो कम मास में जो ज्यादा एनर्जी दे उसका उष्मी मान ज्यादा होता है जैसे हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा होता है तो अपन कोयला यूज करते हैं कोयला ईंधन के रूप में यूज होता है पीठ सबसे घटिया किस्म का कोयला है बिटुमिनस सामान्य किस्म का कोयला है मुलायम कोयला है एंथ्रेसाइट सबसे शुद्ध कोयला है है ना और आप कमेंट में बताएंगे कि भूरा कोयला ब्राउन ब्राउन कोयला किसे कहा जाता है जितने भी ब्राउन मुंडे हैं ब्राउन कोयला बताइएगा पोर्टलैंड सीमेंट की की खोज थी जोसेफ ने आज जोसेफ अस्फिन की वजह से ही हम बड़ी बड़ी इमारतें बड़े बड़े भवन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बड़े बड़े बांध बना पा रहे हैं है ना हाँ एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा है सुलेखा जी आपने सही कहा देखिए पोर्टलैंड सीमेंट में सबसे ज्यादा मात्रा में होता है कैल्शियम ऑक्साइड फिर होता है सिलिका फिर होता है मैग्नीश फिर होता है फिर क्या होता है एल्यूमिना होता है क्या होता है एल्यूमिना ए एल टू ओ थ्री फिर होता है मैग्नीशियम की ऑक्साइड और फिर आपका फेरस ऑक्साइड है ना फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको अब सबसे ज्यादा मात्रा में है कैल्शियम की ऑक्साइड जिसको लाइम कहा जाता है सिलिका एसआईओ टू हो जाएगा एल्यूमिना आपका ये तीनों क्रमश सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं याद रखना और इसमें फिर जिप्सम मिला दिया जाता है कैल्शियम सल्फेट पानी के दो मोलिक्यूल जिप्सम मिला दिया जाता है ताकि सीमेंट धीरे धीरे सेट हो एकदम से ना जम जाए है ना आपसे पूछता है कि अगर सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है तो सीमेंट बहुत जल्दी जम जाएगी रैपिडली जो है यहाँ पर है ना फ्रीज हो जाएगी अगर जमीन पर फिजा ना हो फिजा बोले तो एयर मतलब एयर बोले तो वायुमंडल और वायुमंडल बोले तो धूल के कण धूल के कण की वजह से ही डस्ट पार्टिकल की वजह से ही डस्ट पार्टिकल की वजह से ही प्रकाश का प्रकीर्णन होता है ठीक है ना और जब एयर ही नहीं होगी तो आपका आसमान तारीख दिखेगा तारीख को काला बोला जाता है ठीक है ना ब्लैक नो स्केटरिंग हाँ जी टेबलेट पाउडर वाली दवा की बोतलों में सिलिका सिलिका किसको बोलते हैं एस है ना और इसी से जो है ग्लास बनता है इसको गर्म करते हैं तो ग्लास बन जाता है ट्रांसपेरेंट हो जाता है ठीक है ना तो छोटी छोटी सिलिका की जो है आपकी छोटी 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 ट्रांसपेरेंट उसमें है ना बॉल्स होती है छोटी छोटी तो ये नमी को सोखती है ये क्या करती है ये एब्जॉर्ब मॉइस्चर मॉइस्चर को ये है ना सोखती डी नहीं आएगा है ना जीफी जी जी डी नहीं आएगा ब्यूटी जी डी नहीं आएगा सिर्फ नमी ओनली मॉइस्चर आप लगाएंगे ठीक है चलो उसके बाद देखो क्षितिज के समीप जिसे मान लीजिए ये सूर्य है आप यहाँ पर खड़े हैं आप यहाँ पर खड़े हैं ये में सूर्य आपका अस्त हो रहा है इस प्रकार से या उदय हो रहा है तो अस्त होते समय भी और उदय होते समय भी है ना ये सूर्य कुछ बड़ा दिखता है पूर्णिमा के दिन भी चांद का आकार कुछ बड़ा दिखाई देता है है ना ये कौन से फिनोमेना की वजह से होता है तो आप क्या लगा देंगे ये रिफ्रेक्शन की वजह से होता है रिफ्रेक्शन की वजह से ही पानी में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है और थोड़ा सा बड़ा दिखता है पानी के अंदर जो मछली है वो उठी हुई दिखती है अगर किसी शिकारी को निशाना लगाना है ये क्वेश्चन भी तो पूछा जाता है तो वो अगर मछली उठी हुई दिख रही है, है ना तो शिकार जो है तीर को नीचे चलाएगा मछली के नीचे चलाएगा ठीक है चलिए और स्केटरिंग की वजह से सूर्य लाल दिखता है अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखता है क्योंकि लाल रंग सीधा आंखों में आता है अस्त होते समय सूर्य का लाल दिखना रिफ्रेक्शन मत लगाना प्रकीर्णन लगाना अस्त होते समय सूर्य लाल स्केटरिंग की वजह से दिखता है सारे कलर बिखर जाते हैं लाल रंग सीधा आंखों में आता है ठीक है स्टील में कितना परसेंट कार्बन होता है स्टील में कितना परसेंट कार्बन होता है चलिए हम पिग आयरन की बात करते हैं ठीक है ठीके? कच्चा लोहा इसमें चार परसेंट हम कास्ट आयरन की बात करते हैं है ना ढलवा लोहा इसमें तीन परसेंट हम बात करते हैं रोट आयरन जो कि सबसे शुद्ध लोहा होता है इसको पिटवा लोहा कहते हैं इसमें जीरो दशमलव दो चार प्रतिशत कार्बन और स्टील में कार्बन की मात्रा मैक्सिमम दो परसेंट तक होती है ठीक है ना स्टील बेसेमर प्रक्रिया से बना होता है स्टील में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है लोहा है ना जंग से बचाने के लिए क्रोमियम मिलाया जाता है उसके बाद निकेल और यहाँ पर कार्बन कठोरता के लिए मिलाया जाता है है ना बेसेमर प्रक्रिया से स्टील का निर्माण होता है समुद्र में जल का रंग नीला दिख रहा है क्यों लगाते चलो है ना और इसी तरह हम जो है फटाफट रिवीजन करेंगे रोजाना बारह से एक के बीच में समुद्र का जल नीला है क्योंकि वायुमंडल में तो डस्ट पार्टिकल है ना और जो है मॉइस्चर अगर अपन बात करें नमी पानी की बूंदे तो आ, जो है डस्ट पार्टिकल से प्रकीर्णन हो गया था लेकिन समुद्र में तो जल के अणुओं के द्वारा नीले रंग का प्रकीर्णन हो रहा है स्केटरिंग ऑफ ब्लू लाइट बाय वॉटर मोलिक्यूल देखो प्रकीर्णन हमेशा अणुओं के आकार पर निर्भर करता है समझ पा रहे हो बात को अणुओं के आकार पर जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है ऐसे प्रकीर्णन को रिले प्रकीर्णन बोलते हैं रीले प्रकीर्णन रीले प्रकीर्णन अब आपसे एग्जामिनर है ना तीन चार प्रकार के प्रकीर्णन दे देगा ऑप्शन में आप फिर आपसे पूछेगा कि आकाश का रंग नीला क्यों है तो आप रीले प्रकीर्णन लगा दीजिएगा किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज और रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में आएगा यानी कि हवाई जहाज बना सकते हो रेल के डिब्बे वगैरह बना सकते हो तो हमें जो है ऐसी धातु चाहिए जिस पे जंग ना लगे है ना ऐसी धातु से ही अपन वायुयान वगैरह बनाएंगे जिस पे जंग ना लगे एल्यूमिनियम अपनी ही ऑक्साइड से सुरक्षित हो जाने वाली धातु है है ना एल्यूमिनियम ठीक है ना ए एल टू ओ थ्री इसको एल्यूमिना भी कहा जाता है एल्यूमिना आप याद रखें एल्यूमिना क्या आप जानते हैं एल्यूमिना एज अ कैटलिस्ट यूज होता है कहां पर कहां पर एल्कोहल से ईथर बनाने में आपसे पूछता है एल्कोहल से ईथर बनाने में ईथर बनाने में हम कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं एल्यूमिना यूज करते हैं ठीक है ठीके? याद रखना इसको और क्या याद आ रहा है ए एल टू ओ में एल्यूमिना में अगर पानी के दो मोलिक्यूल ले लो तो ये बन जाता है बॉक्साइट है ना ये बन जाता है बॉक्साइट है ना बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम की अयस्क है चलो स्टील को जंग से बचाने के लिए या उसके संरक्षण प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए क्या मिलाया जाता है क्या मिलाया जाता है वेनेडियम की पेंटा ऑक्साइड वेनेडियम की पेंटा ऑक्साइड कहा यूज होती है पता है आपको मेनेडियम की पेंटा ऑक्साइड जो है ये आपकी यूज होती है एस टू एसओ फोर बनाने में यानी कि अम्ल जो है अम्ल का राजा रसायन का राजा बनाने में वेनेडियम की पेंटा ऑक्साइड यूज होती है ठीक है और प्लेटिनम भी यूज होता है प्लेटिनम प्लेटिनम जो है आपका यूज हो जाएगा कहां पर संपर्क विधि में और सीस कक्ष विधि में वेनेडियम की पेंटाऑक्साइड चलो क्रोमियम लगा देना क्रोमियम लगा देना अच्छा इसमें भविष्य की धातु कौन सी है द फ्यूचर मेटल भविष्य की धातु कौन सी हो जाएगी भविष्य की धातु कौन सी हो जाएगी इसमें से कोई भी भविष्य की धातु नहीं है वो है टाइटेनियम टाइटेनियम भविष्य की धातु है भविष्य का ईंधन कौन सा हो जाएगा हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन हो जाएगा याद रखना टंगस्टन तो फिलामेंट है है ना बल्ब में फिलामेंट के रूप में टंगस्टन यूज होता है सूर्य की किरणों में कितने रंग हां सूर्य की किरणों में चलो सुलेखा शिवम सोनू सोल्टीट्यूड ये आपने कैसा नाम रखा है अपना खुद का ही नाम क्यों नहीं रखते हो आप हाँ जी याद रखना ठीक है सूर्य की किरणों में जो है सात अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी आठवीं अपनी जोड़ी बोले तो आपकी और हमारी जोड़ी ठीक है ना और आप सोच रहे होंगे है ना कि सर ने आज फ्रेंडशिप डी जो है डे क्यों मना लिया हमारे उज्जैन में जो पहला मानसून होता है ना पहले मानसून का पहला संडे तो फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है सी ए ओ सी एल टू एक यौगिक एक कंपाउंड के लिए रासायनिक सूत्र है कैसे बनाया था अपन ने सी एल टू बुझे पर हैं कि वो टूट जाती है है ना वो कंसेप्ट टूट जाया करता है और हमें हमेशा के लिए चीजें याद हो जाती है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहा जाता है फिर से बोल रहे हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहा जाता है कभी वो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम पूछ लेना तो आप तो याद करके जा रहे हो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड उसने दे दिया कैल्शियम हाइपोक्लोराइड <coughs> है ना तो आप याद रखना कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहा जाता है ठीक है चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस तो जानते हो बहुत पूछता है बहुत पूछता है प्लास्टर ऑफ पेरिस हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड ठीक है ना चूना कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा सोड़ा आपका एस हो जाएगा है ना चलिए कार्बोनिक एसिड टीवी में कौन से रंग होते हैं लगाते चलो टीवी में आपको कौन से रंग मिलेंगे ये हमारी एलईडी आपका मोबाइल है ना इसमें कौन से रंग होते हैं लेकिन एक मजेदार क्वेश्चन कराएंगे इतना मजेदार क्वेश्चन करेंगे आपको मजा ही आ जाएगा देखिए आर तो याद है आपको आर रेड ग्रीन और ब्लू रेड ग्रीन और ब्लू अब आप जो है कमेंट में बताना जो अपना प्रिंटिंग होती है मतलब कलरफुल जो प्रिंटिंग होती है प्रिंट प्रिंट करवा के लाते हैं ना आप कलरफुल प्रिंटिंग तो प्रिंटिंग मशीन में कौन से कलर होते हैं प्रिंटिंग मशीन में तीन तीन से चार कलर होते हैं उसमें चार कलर होते हैं प्रिंटिंग मशीन में आप चार कलर बताइए प्रिंटिंग मशीन में कौन से चार कलर होते हैं है ना वो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे धातु पूछ रहा है जिसने ये बता दिया कि प्रिंटिंग मशीन जो आपकी जैसे एचपी का प्रिंटर बहुत महंगा आता है है ना अपन लैपटॉप से अटैच कर देते हैं ना उसको कलरफुल जो है प्रिंटिंग निकालता है तो जो है धातु पूछे धातु पूछे तो मर्क्यूरी लगाएंगे और अगर अधातु पूछे तो क्या लगाएंगे जल्दी से बताओ नॉन मेटल पूछे तो क्या लगाएंगे नॉन मेटल पूछे अरे ये नहीं होता है दिमाग लगाइए फिर हम आपको बताते हैं चार कलर यूज होते हैं उसमें है ना कभी आप जाना किसी कंप्यूटर मतलब किसी प्रिंटिंग वाले के पास जाना उससे कहना कि यार ये प्रिंटर खोल के दिखा कौन कौन सी इंक डाली है इसमें है ना सियान मेजेंटा पिकॉक ब्लू और येल्लो येल्लो ये तीन आपके सेकेंडरी कलर होते हैं और एक आपका और इंक होती है उसमें है ना कौन सी ब्लैक इंक और होती है उसमें ब्लैक तो ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा आप जाना प्रिंटिंग वाले के पास आपको सेकेंडरी कलर मिलेंगे तीनों और एक ब्लैक कलर मिलेगा ठीक है ना चलो याद रखना तो जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारेंगे प्रिज्म से गुजारेंगे तो विबग्योर बन जाएगा है ना और सबसे कम विचलन किसका होगा देखो सबसे अधिक विचलन जो है वॉयलेट का होता है सबसे अधिक विचलन वॉयलेट का सबसे कम विचलन यानी कि सीधा निकल जाता है वो आपका रेड का होगा ठीक है रेड का होगा याद रहेगा आपको प्रिंटिंग मशीन में कौन से तीन कलर यूज होते हैं आर मत लगा देना है ना सेकेंडरी कलर होते हैं और एक ब्लैक इंक होती है ताकि जो है और डार्क बना सके किसी भी इमेज को चलिए धातु की प्रकृति कैसी होती है क्वेश्चन को ध्यान से देखना इसमें ध्यान से देखना इसमें क्वेश्चन को ध्यान से देखेगा ये विद्युती प्रकृति नहीं पूछ रहा है हमसे देखिए कोई सी भी एक शुद्ध धातु ले लीजिए लोहा ले लीजिए कॉपर ले लीजिए आप चांदी ले लीजिए सोना ले लीजिए कोई सी भी एक धातु ले लीजिए है ना आप जानते हैं ना कि प्रोटोन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है ये बात तो सभी जानते हैं ना कि प्रोटोन की संख्या और जब प्रोटोन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है तो चार्ज आपस में कट जाता है है ना प्लस वन पॉइंट सिक्स और माइनस वन पॉइंट सिक्स टेन टू दावर नाइन माइनस नाइनटीन गुलाम तो ये क्या हो जाता है न्यूट्रल हो जाता है धातुएं कैसी होती हैं, उदासीन होती है याद रखना उदासीन होती है देखो गड़बड़ कर दी ना आपने कर दी ना गड़बड़ अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछता है ना कि जब धातुएं अभिक्रिया करती हैं या धातुएं आयोनाइज हो जाती हैं, तो उनपे चार्ज जा आ जाता है अगर इसमें ऐसा पूछता कि धातु की विद्युती प्रकृति क्या है ऐसा पूछता विद्युती प्रकृति तो हाँ इलेक्ट्रॉन दान दे करके धातुएं जो है आपके केटायन बनाती है और अधातुएं एनायन बनाती है फिर आपका आंसर जो है पहला सही हो जाता है ना सोडा वाटर जो से प्रिस्टले ने बनाया था सोडा वाटर इन दोनों को मिला करके ठीक है ना H2CO3 इसी को कार्बोनिक एसिड कहते हैं कार्बोनिक एन आई एसिड कार्बोलिक मत लगा देना ठीक है हम्म अरे धातुएं प्रोटोन नहीं देती भैया धातुएं इलेक्ट्रॉन देती हैं इलेक्ट्रॉन दान करती हैं तो उनके पास प्रोटोन ज्यादा हो जाते हैं तो धातुओं के पास प्रोटोन ज्यादा हो जाते हैं तो उनपे धन आयन आ जाता है धातुएं है ना प्रोटोन नहीं देती इलेक्ट्रॉन त्याग करती याद रखना ये क्या हो जाएगा ये गैस हो जाएगा ये क्या हो जाएगा लिक्विड हो जाएगा है ना अच्छा आप जाते हैं ना गैस और लिक्विड गैस और लिक्विड आप जाते हैं ना सोडा पीने सोडा पीने के लिए जाते हो ना तो ये सोडा बन गया आपका ठीक है चलिए प्राथमिक रंग कौन से है? हमने आपको बता दिया है आप किसी प्रिंटिंग आ, मशीन वाले की दुकान पे जाए ना है ना वहां पे चार इंक आपको देखने को मिलेगी ठीक है लेकिन प्राथमिक कलर कौन से हैं तो रेड आर जी बी रेड ग्रीन और ब्लू ठीक है ना ये प्राइमरी कलर है इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है द राइट आंसर इस उपयुक्त में से कोई नहीं चुनावी आ, साल चल रहा है फिर भी एस एस सी में जो है वैकेंसी क्यों नहीं आ रही देखो एक शब्द सुना है रिटायरमेंट <laughs> रिटायरमेंट नाम का शब्द सुना है भाई रिटायर हो होंगे तो पद खाली होंगे पद खाली होंगे तो वैकेंसी निकलेगी एक ये बहुत बड़ा कारण है है ना और दूसरा राजनीति भी है पॉलिटिक्स भी है है ना राजनीति भी हो जाती है इस वजह से जो है वेकेंसियां नहीं आती चलिए प्राथमिक रंग जो है आर है इसमें से कोई भी नहीं है ठीक है ना ये तो सेकेंडरी है सेकेंडरी अरे नीला पीला लाल क्यों लगा रहे हो पीला कब से हो गया ए ऑप्शन क्यों लगा रहे हो पीला कब से हो गया आपका प्राइमरी कलर ए क्यों लगा रहे हो <coughs> क्यों लगा रहे हो जो आनी थी आ चुकी है ना <laughs> चलिए अधातु धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं जैसे कि धातु के ऑक्साइड जैसे कि Na2O, जैसे कि लिथियम की ऑक्साइड एल लिथियम लीथियम की ऑक्साइड है ना लिथियम लिथियम एल मैग्नीशियम की ऑक्साइड ठीक है कैल्शियम की ऑक्साइड धातुओं की ऑक्साइड क्या होती है शारी होती हैं, है ना शारी लेकिन अधातु की ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जैसे सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ड्राइक्साइड जैसे नाइट्रोजन ना, की डाइऑक्साइड ठीक है ना अधातु की ऑक्साइड क्या होती है अमली होती है याद रखना <स्थाँग> शुद्ध सोना अब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे ऐसे कौन से तीन तत्व है जिनकी ऑक्साइड अमली भी होती है और शारी भी होती है यानी कि एम्फोटेरिक जिनकी ऑक्साइड एसिडिक भी होती है बेसिक भी होती है यानी कि उभयधर्मी तीन तत्व बताइए शुद्ध सोना शुद्ध सोना चौबीस कैरेट का हो जाएगा ठीक है ना चौबीस कैरेट का शुद्ध सोना होता है ठीक है बाविश कैरेट जो है आभूषण वाला सोना होता है आभूषण वाला आपसे एग्जामिनर पूछता है कि अठारह कैरेट सोना अठारह कैरेट सोना कितना प्रतिशत शुद्ध है ऐसा पूछता है अठारह कैरेट के, सोना उसकी शुद्धता का प्रतिशत कितना है तो आप कैसे निकालेंगे कैसे निकालेंगे कैसे निकाल ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अठारह कैरेट सोना कितने प्रतिशत शुद्ध होता है तो जब चौबीस कैरेट शुद्ध होता है मतलब टोटल वैल्यू चौबीस है तो अठारह चौबीस का कितना प्रतिशत है है ना तो आप निकाल देना इसको अठारह चौबीस का कितना परसेंटेज है जब शुद्ध सोना टोटल वैल्यू चौबीस है तो तीनों तीन छंग अठारह तीनों अठे चौबीस चार से पच्चीस बार कटेगा है ना और चार दुना आठ ये दो से कटेगा तीन बार तो पच्चीस पिछहत्तर है ना ये ऐसे क्वेश्चन भी एंडे बेंडे पूछे जाते हैं है ना आपको जो है कैरेट में वैल्यू दे देगा पूछेगा कितने परसेंट ऐसे पूछता है आपसे है ना चलिए प्राथमिक रंग नहीं है तो आर जी बी रेड ग्रीन ब्लू येल्लो मत रख देना अभी पिछले क्वेश्चन में येल्लो रख दिया आपने येल्लो पिकॉक ब्लू इसको सियान भी कहा जाता है।, है ना और मेजेंटा मेजेंटा ठीक है ये सेकेंडरी कलर होते हैं अब आप एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी बता दो प्राथमिक रंग नहीं है काला नहीं है ना एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर बता दीजिए ठीक है अच्छा क्या लगाया आपने एम्फोटेरिक में क्या लगाया था किसने सबसे पहले जवाब दिया था एम्फोटेरिक एम्फोटेरिक में जवाब ही नहीं आया यार आपका हाँ जिंक एल्यूमिनियम और लेड चलो ठीक है किसने दिया था नदीम ने जो है आंसर बताया था जिंक एल्यूमिनियम और लेड याद रखना एल्यूमिनियम जिंक और लेड की जो ऑक्साइड होती है पी ये एम्फोटेरिक होती है ठीक है ना और येलो पिकोक ब्लू सियान मेजेंटा और ब्लैक आपको कलर कहां पे मिलेंगे जल्दी से बता दो कहां मिलेंगे आपको ये कौन सा पदार्थ भारी मशीनों में ल्यूब्रीगेंड के रूप में इस्तेमाल होगा ल्यूब्रीगेंड कार्बन सत्रह से कार्बन आ, बीस के हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है जैसे कि ग्रीस ग्रीस अब ये ग्रीस की बात कर रहे हैं आप ऐसा मत समझ लेना कि जो ग्रेफाइड होता है आपका वो ग्रेफाइड कार्बन सत्रह से कार्बन बीस के हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है ऐसा नहीं कह रहे हम ग्रेफाइड तो ओनली कार्बन से मिलकर बना है ओनली कार्बन है ना इसलिए इसको अपन एलिमेंट बोलते हैं ग्रेफाइड फुलरिन डायमंड ये सिर्फ कार्बन से मिलकर बने हैं ठीक है हाँ क्या लिखा आपने देखो अब तो जान गए है ना अब तो जान गए कि सर ने बता दिया है प्रिंटर सर सी जी एल की वैकेंसी कब आएगी बस इंतजार करते रहो आप नोटिफिकेशन देखते रहा करें और सी अभी आपका सीजीएल सी अब ये सब अगले साल ही आएंगे क्योंकि अभी जो इस साल होना है वो तो आ गई एम भी आ गया आपका हवलदार ठीक है चलिए लाल और पिकॉक ब्लू ये आपको डायग्राम याद रखना ही पड़ेगा जो अभी हम आपको डायग्राम बता रहे हैं ठीक है लाल और पिकॉक ब्लू को मिलाने पर एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर बनेगा इसी की बात कर रहे थे हम कि ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा होता है देखो ये डायग्राम याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे यहां आप से आपसे पूछे कि ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है और ये अरेंजमेंट आपको बिगाड़ना नहीं है अरेंजमेंट बिल्कुल भी बिगाड़ना नहीं है ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर आप लगाएंगे मेजेंटा है ना इसको लिख लेना आपसे पूछे ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा है ब्लू आप लगाएंगे येल्लो ठीक है आपसे पूछे आपसे पूछा जा रहा है रेड और पिकॉक ब्लू रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा होता है पिकॉक ब्लू पिकॉक ब्लू को ही सियान भी कहा जाता है ठीक है अब देखिए यहाँ पे जादू ये है कि जब आप एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कलर को मिलाते हैं तो सफेद कलर बनता है ठीक है इसी प्रकार से आप जब येल्लो और ब्लू को मिलाएंगे जब आप येल्लो और ब्लू को मिलाएंगे तो भी सफेद कलर बनेगा ठीक है ये आपको याद रखना है उसके बाद पिकोक ब्लू और रेड को मिलाएंगे तो भी सफेद कलर बनेगा सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ पचास बार बता दिया हमने इसका उत्तर पचासों बार बताया है आप इसमें यह भी बताइएगा कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा यह भी बताइए देखो सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है प्रोटीन ठीक है ना प्रोटीन 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 और हमारे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी काप से लेकिन पर ग्राम पर ग्राम हमको जो है वसा से सबसे ज्यादा एनर्जी मिलेगी यह क्वेश्चन भी पूछा गया है प्रोटीन से हमको चार दशमलव दो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी मिलेगी वहीं पे कार्बोहाइड्रेट से चार दशमलव पांच कैलोरी एनर्जी अपने को मिलेगी पर ग्राम ठीक है ना इसको याद रखना ठीक है इसको याद रखना चलिए पृथ्वी पर सबसे ज्यादा सेल्यूलोज है ना नदीम ने बता दिया बाकी सभी भी कोशिश करें ये ना वैल्यू चेंज कर लेना चार दशमलव चार दशमलव ठीक है प्रोटीन में आएगा, और चार दशमलव तीन या चार दशमलव दो काब्स लगा लेना चलिए न्यूमेरिकल वैल्यू है दिमाग में केमिकल लेचा हो जाता है किस रंग की सर्वाधिक तरंग धेरी होती है तरंग धेरी तो जानते हो ना किसे कहते हैं श्रंग और श्रंग के बीच की दूरी और क्रस्ट के ट्रीफ आ, क्रस्ट और क्रस्ट ट्रफ से ट्रफ इसको लेमड़ा से दर्शाया जाता है तरंग धेरी को मीटर से मापा जाता है याद रखना तरंग धेरी को हमेशा मीटर से मापते हैं ठीक है चलिए तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी रेड की हो जाएगी और सबसे कम किसकी हो जाएगी सबसे कम सबसे कम किसकी हो जाएगी अच्छा आप जल्दी से बताना कमेंट सेक्शन में क्या सफेद क्या सफेद यानी कि व्हाइट या फिर काला यानी कि ब्लैक इसकी तरंग होती है यस और नो क्या यहां पर वाइट और ब्लैक कलर की तरंग होती है यस और नो चलिए व्यापारिक वेस्लिन देखो वेस्लिन पेराफिम मोम मल्लम पट्टी है ना ये सब कैसे निकलती है कार्बन सत्रह से बीस बीस से तीस चलिए कार्बन बीस से कार्बन तीस के हाइड्रोकार्बन का मिश्रण आपका क्या होता है पेराफिम मोम होता है पेराफिम मोम होता है और यहीं से आपका जो है वैक्स बनेगा वेस्लिन बनेगा जो अपन होटो पे लगाते हैं हाथों पे लगाते हैं है ना जिसे हड्डी पतली टूट जाती है तो मल्लम अपन लगाते हैं वो भी इसी से बनेगा मोम मोमबत्ती अपन जलाते हैं वो भी इसी से बनेगा वैक्स ठीक है चलिए कलर ही नहीं होता व्हाइट और ब्लैक है ना ब्यूटी ने बता दिया है कितना अच्छा आंसर दिया है कि व्हाइट और कलर उसको बोलते हैं जिसकी वेवलेंथ होती है ठीक है ना चलिए वेस्लिन हमको मिलेगा कहां से तो हम यहां पर क्या लगाने वाले हैं मत लगा देना मत लगाना ठीक है ना पेट्रोलियम पदार्थ ठीक है ना और कौन सा पेट्रोल को प्रभाजी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग किया जाता है, है ना प्रभाजी आसवन बहुत ही कम क्वनांग बिंदु पर आपके कार्बनिक पदार्थ अलग अलग हो जाते हैं ठीक है ना आपको याद रखना है बिटोमेन अगर आपसे पूछे वो अपन लगाते हैं ना बिटोमेन कोल तार आपसे पूछता है नेफ्लीन तो वो कोलतार हो जाएगा ठीक है चलिए अधिकतम मैक्सिमम विजिबिलिटी बहुत सारे क्वेश्चन से अपन करेंगे मैक्सिमम सेंसेशन मैक्सिमम चलो मैक्सिमम सेंसेशन किसका है मैक्सिमम सेंसेशन किसका हो जाएगा संवेदनशील कौन सा है उसके बाद मैक्सिमम विजिबिलिटी अपन देख लेते हैं मैक्सिमम मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी है किसकी है मैक्सिमम वेलोसिटी चलिए लगाते चलिए एग्जाम सेंटर में डर क्यों जाते हो चलिए मैक्सिमम सेंसेशन ग्रीन कलर का होता है याद रखना इसीलिए तो ग्रीन सिनेमाटोग्राफी में कौन सा पर्दा यूज करते हैं सिनेमाटोग्राफी में ग्रीन पर्दा यूज करते हैं है, है ना उसके बाद मैक्सिमम वेवलेंथ रेड की हो जाएगी मैक्सिमम वेलोसिटी भी रेड की हो जाएगी बट मैक्सिमम विजिबिलिटी येलो कलर की हो जाएगी है ना इसीलिए तो स्कूल बस पीले कलर की होती है ताकि दूर से दिख जाए क्विक सिल्वर जर्मन सिल्वर क्रिक क्विक सिल्वर जर्मन सिल्वर क्विक सिल्वर जर्मन सिल्वर रूबी सिल्वर रूबी सिल्वर हॉर्न सिल्वर इतने सारे सिल्वर होते हैं और एक और होता है सिल्वर सरफर वो तो अपने को मूवीज में देखने को मिलता है, है ना चलिए अपन सारे कर लेते हैं क्विक सिल्वर जर्मन सिल्वर जर्मन सिल्वर तो मिश्र धातु है कॉपर जिंक और निकेल ये तो मिश्र धातु है ये तो अलॉय है <kwick> है क्विक सिल्वर अपन जो किसको बोलेंगे मर्क्यूरी को मर्क्यूरी को बोलेंगे है ना मर्क्यूरी का आइटोमिक नंबर अस्सी होता है ठीक है चलिए रूबी सिल्वर हॉर्न सिल्वर ये चांदी की अयस्के हैं चांदी की अयस्के हैं याद रखना चांदी की ओर है और अयस्क हैं रूबी सिल्वर हॉर्न सिल्वर ठीक है ना और कुछ सिल्वर से याद आ रहा हो तो बता देना पायरेक्स ग्लास इसी तरह बारह से एक के बीच में रोज जुड़ जाना हम धूम मचा देंगे ठीक है ना सारा कंप्लीट आपको करवा देंगे पायरेस ग्लास प्रयोगशाला में उपकरण है ना जो बनाए जाते हैं पायरेस ग्लास फ्लिंट ग्लास फ्लिंट ग्लास भी बहुत पूछता है जो लेंस बनते हैं लेंस फ्लिंट ग्लास के बनते हैं आपसे क्राउन ग्लास पूछता है क्राउन ग्लास ये जो विद्युत के बल्ब होते हैं है ना सौ वाट का ठीक है बल्ब आपसे पूछता है सोड़ा ग्लास सोड़ा ग्लास तो आपसे पूछेगा ट्यूबलाइट ट्यूबलाइट है ना बल्ब में विद्युत उष्मा और प्रकाश के रूप में निकलती है ट्यूबलाइट में विद्युत सिर्फ प्रकाश के रूप में निकलती है ऊष्मा के रूप में नहीं निकलती ठीक है ना याद रखना चलिए ये ऊष्मा प्रतिरोधी कांच होता है ये चटकता नहीं है गर्म करने पर चटकता नहीं है ठीक है ना बीज द राइट आंसर सीवी मन को 1930 में नोबेल प्राइज मिला था लगाते चलो ये उष्मा प्रतिरोधी कांच का उष्मा को कर लिया तो चटक जाएगा है ना उष्मा प्रतिरोधी कांच है ना आप इसमें कुछ भी गर्म करें पायरिस ग्लास में जैसे बीकर वगैरह वो टेस्ट ट्यूब होती है तो चटकता नहीं है ना चलिए साधारण कांच किसे कहते हैं पता है आपको चलो साधारण कांच भी कर ही लेते हैं इसको भी फोड़ ही देते हैं एन ए एन ए टू एस आई ओ थ्री सी एस आई ओ थ्री और एस टू ये होता है साधारण कांच है ना सोडियम की सिलिकेट कैल्शियम की सिलिकेट सिलिकेट और सिलिका से मिलकर साधारण कांच बनता है चलिए सी वी रमन को दिया था नोबेल प्राइज प्रकीर्णन के लिए ठीक है रमन इफेक्ट हाँ जी एक्स किरणों की खोज की थी रॉन्टेजन ने बहुत आता है बहुत आता है बहुत आता है भैया कॉस्मिक किरणों की खोज की थी विक्टर विक्टर हेज, विक्तर हेज।, विक्तर हेज। अच्छा पृथ्वी का ऐसा कौन सा गुण है जो सूर्य से आने वाली कॉस्मिक रेस से हमको बचाता है पृथ्वी का उस उस गुण के बारे में बताइए मानव निर्मित तत्व की पहचान कीजिए देखो कुछ फैक्ट आपको याद रखना पड़ेंगे जैसे कि 118 सौ अठारह तत्व है हमारे पास वर्तमान में यूरेनियम याद कर लो यूरेनियम का एटोमिक नंबर कितना होता है नाइनटी यूरेनियम ही अंतिम प्राकृतिक तत्व है इसमें से घटा लो दो छठ नौ और दो ग्यारह तो 92 हमारे पास प्राकृतिक तत्व है और जितने भी आपके 92 के अलावा जितने भी बचे वो आपने लैब में बनाए हैं वो कृत्रिम तत्व हैं सर तत्व कैसे बनते हैं प्रोटॉन को जोड़ते जाओ नाभिक में एक एक प्रोटॉन को जोड़ते जाओ नया नया तत्व बनता जाएगा प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं ठीक है ना चलिए तो मानव ने बनाया है केलिफोर्नियम तो कुछ जगह पे कुछ तत्वों की खोज हुई है उस जगह के नाम पे ही तत्व का नाम रख दिया जैसे फ्रांस में फ्रांसियम जैसे रोंटजन ने एक तत्व खोजा तो रोंटजेनियम समझ पा रहे हो चलिए याद रखना उसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा सोना सोना चांदी है ना सोना चांदी कॉपर ये बहुत ही प्रिमिटिव ये प्राचीन धातुएं हैं इनकी खोज कब हुई है किसने की है आज तक कुछ पता नहीं चल पाया है क्योंकि ये बहुत ही पुरानी धातुएं नॉन रिएक्टिव हैं चलिए सूर्य की किरणों की तीव्रता किससे मापेंगे रेगुलर रहो धूम मचा देंगे ठीक है ना सूर्य की किरणों की तीव्रता माइक्रोमीटर इससे तो छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके देख लेना केस्कोग्राफ केस्कोग्राफ नामक यंत्र जगदीश चंद्र बोस ने बनाया था है ना ये पौधों की वृद्धि मापता है ये पौधों की ग्रोथ मापता है पौधों की वृद्धि मापता है बेरोमीटर से वायुमंडली दाप और मौसम का अनुमान भी लगाते हैं द राइट आंसर इज एकटियोमीटर है ना एकटीमीटर एकटमीटर सूर्य की किरणों में इन्फ्लाइट रेज भी होती है अवरक्त विकिरणें भी होती है, हैं ठीक है ना उसको बोलोमीटर से माप सकते हैं अपन है ना बेरोमीटर का पाठ्यांक सडनली डाउन हो जाए आंधी तूफान आ जाते हैं धीरे धीरे नीचे डाउन हो वर्षा होने की संभावना है धीरे धीरे ऊपर उठे मौसम साफ रहने की संभावना है सल्फर क्या आप जानते हैं मानव के द्वारा सबसे पहला खोजा गया तत्व कौन सा था मानव ने किस तत्व की खोज सबसे पहले की थी मानव द्वारा खोजा गया सबसे पहला तत्व कौन सा है जल्दी से लगाओ अच्छा हम खोजेंगे तो ऐसा नाम रखोगे आप मानव के द्वारा सबसे पहले फास्फोरस की खोज हुई थी फास्फोरस है ना हैनिंग ब्रैंड ने खोजा था किसने खोजा था हेनिंग ब्रेंड हैनिंग ब्रेंड ने सबसे पहले फास्फोरस खोजा था सल्फर का एक अणु सल्फर के आठ परमाणु से बना होता है है ना सल्फर वाली अयस्क की अपन जो है रोस्टिंग करते हैं याद है ना सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 द्रव्यमान 32 तो इसका अणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा एक अणु का द्रव्यमान हो जाएगा 8 32 यानी कि 256 256 एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास भी लगा सकते हैं मोल में पूछे तो ग्राम में लगा देना चलिए अपरंपरागत नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्स उन्हें कहा जाता है उन्हें कहा जाता है नॉन कन्वेंशनल अन ट्रेडिशनल है ना जो आपके यहां पर परंपरा में नहीं रहे हैं जैसे मान लो अपन ऐसी ऊर्जा का प्रयोग डायरेक्टली नहीं करते हैं हम डायरेक्ट नहीं करते हैं ऐसी ऊर्जा का उपयोग हम उसको कन्वर्ट करके करते हैं जैसे कि अक्षय ऊर्जा इसको अक्षय ऊर्जा कहा जाता है रिन्यूएबल रिन्यूएबल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी ठीक है ना जैसे कि सोलर एनर्जी जैसे कि विंड एनर्जी अच्छा बताओ विंड एनर्जी को डायरेक्ट यूज करते हो क्या चलिए सोलर एनर्जी को डायरेक्ट यूज करते हो उसके बाद टाइडल एनर्जी क्या ज्वारी ऊर्जा को ज्वारी ऊर्जा से जो है विद्युत बन रही है ज्वारी ऊर्जा भूतापी ऊर्जा क्या हम भूमि की जो ऊर्जा है थर्मल एनर्जी क्या हम उसको डायरेक्ट यूज करते हैं नहीं 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 तो ये अन ट्रेडिशनल अनकनवेंशनल जो है एनर्जी के सोर्सेज हैं ठीक है ना अक्षय ऊर्जा इसको अपन कहा जाता है प्राकृतिक स्त्रोत से प्राप्त होने वाली ऊर्जा जो है वो अक्षय ऊर्जा होती है एसआई में लेंस का जो है वह इकाई क्या है अभी देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आया था अः कुछ इस प्रकार से नहीं इसको हटा देते हैं इसको हटा देते हैं

अगर यहाँ से यहाँ तक पूरी रेडियस है और अगर फोकल लेंथ इतनी है फोकल लेंथ इतनी है तो ये रेडियस की आधी हो गई रेडियस की आधी क्या होती है फोकल लेंथ होती है समझ गए ना लेकिन उसने इसमें भी और बच्चों को कन्फ्यूज कर दिया कैसे कन्फ्यूज कर दिया ऐसे कर दिया कि टू एफ बराबर आर होता है समझ पा रहे हो बात को समझ पा रहे हो उसने ऑप्शन में टू एफ बराबर आर दिया था चलिए इधर राइट आंसर इज डायब्टर और डायप्टर जो है वह फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है ठीक है ना याद रखें निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयोग होता है देखो मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है जैसे आप कोई एक ऐसी बुक लेके बैठ जाए जिसमें फोन साइज बहुत ही छोटी छोटी है पढ़ने में नहीं आ रहा है तो इसे मैग्नीफाइंग ग्लास लगा लो ये मैग्नीफाइंग ग्लास होता है तो वो अक्षरों को बड़ा बड़ा करके दिखाएगा इसमें आप याद रखें कौन सा लेंस होता है इसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है याद रहेगा यानी कि उत्तल लेंस होता है उत्तल लेंस होता है याद रखेंगे ठीक है और उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं उत्तल लेंस जाते हो ना प्रकाश को सेंद्रित कर देता है मेन फोकस पे लेके आ जाता है एफ टू इसका मुख्य फोकस होता है द्वितीय फोकस इसका मुख्य फोकस होता है तो ये प्रकाश को केंद्रित कर देता है और प्रकाश को केंद्रित करने वाले को क्या बोलते हैं कन्वर्जिंग लाइट बोलते हैं कन्वर्जिंग लाइट और कन्वर्जिंग लेंस ही आपका क्या होता है उत्तल लेंस याद रहेगा अवतल लेंस लेंस को बोलते हैं अप सारी जो है वो अवतल हो जाएगा वो कौन के हो जाएगा ये छोटी सी प्रॉपर्टी है याद रखना ठीक है ना अब एक और क्वेश्चन पूछते हैं आपसे <स्थाँग> आपसे एक और क्वेश्चन पूछते हैं आप जल्दी से बताना आरबीसी का आकार कैसा होता है और आंखों में कौन सा लेंस होता है मतलब आकार आकार बताना आकार आंखों में जो लेंस है उसका आकार कैसा होता है आरबीसी का आकार कैसा होता है ये बताइएगा देखो मेलेकाइट किसकी अयस् के पूछी जाती है अयस् के एग्जाम में आती है जैसे कि हेमेटाइट मैग्नेटाइट लिमोनाइट लिमोनाइटेराइट आयरन पायराइट ये लोहे की के हैं मैग्नेसाइट मैग्नेसाइट डोलोमाइट मैग्नेसाइट डोलोमाइट है ना और उसके बाद एसबेस्टोस ये कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों की एसके होती है चांदी अपन ने देखा रूबी सिल्वर हॉर्न सिल्वर चांदी के एसके हैं है ना कॉपर की एस्क कॉपर की ऑक्साइड को ही क्या कहते हैं कॉपर की ऑक्साइड को ही मेलेकाइट कहते हैं ठीक है ना कॉपर पायराइट सी यू एफ एस -E टू सी यू ए फी एस -E टू ठीक है ना और ये आपका जो है ये कॉपर पायराइट हो जाएगा अयस्के पूछी आती है एग्जाम में ठीक है ना जैसे पायरोल पूछा गया था एम एन ओ टू एम एन ओ टू पायरोलूसाइड पूछता है मैंगनीज के एस के यू थ्री ओ एट यू थ्री ओ एट चलो ये बता दो आप यू थ्री ओ एट किसको बोलते हैं यू थ्री ओ एट किसको बोलते हैं U अभी तक आंसर नहीं आया क्या बात है अरे वो बाय को होता है बाय को बाय और बाय कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स बाय बाय है ना कोओ और बाय कॉन्वेक्स जैसे आरबीसी का आकार कैसा होता है आरबीसी का आकार जो है बाय कोनके होता है अंदर से दबा हुआ होता है यानी कि आरबीसी ऐसी होती है आरबीसी ऐसी होती है चपटी बीच में से और आंख का लेंस ऐसा होता है दोनों तरफ से गोल बाय हो ठीक है ना बाय बाय सॉरी कॉन्वेक्स हमारे आंखों का लेंस होता है आंखों का और आरबीसी का आकार कैसा होता है बाय हो बीच में से चपटा याद रखना ठीक है चलिए प्रकाश को आप केंद्रित कर दीजिए किसमें करेंगे प्रकाश को केंद्रित दिव्या ने आंसर बता दिया है बाकी का आंसर क्यों नहीं आ रहा है आरबीसी का आकार बाय को होता है उभियावतल आंखों के लेंस का आकार होता है ये क्वेश्चन याद रखो देखिए उत्तल दर्पण क्या करता है उत्तल दर्पण तो प्रकाश को कर देता है नहीं उत्तल दर्पण तो प्रकाश को बिखेरता है ये दर्पण है है लेंस नहीं ना ये दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टी अलग रखते हैं है ना जैसे अगर लेंस लेंस की प्रॉपर्टी और मिरर की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है ठीक है ना अब ये है आपका सेंटर ये है फोकस प्रकाश बिखेर देता है इसीलिए तो सोडियम लिंप में कॉन्वेक्स हम मिरर यूज करते हैं क्योंकि प्रकाश को बिखेर देता है प्रकाश को स केंद्रित करता है कौन प्रकाश को स केंद्रित करता है अवतल दर्पण अवतल दर्पण प्रकाश को स केंद्रित करता है कैसे करता है देखो आ जाओ इसलिए तो चावल पक जाते हैं कुकर में सोलर कुकर में चावल कैसे पकते हैं देखो ऐसे पकते हैं अब जब सारा ज़ का सारा प्रकाश केंद्र से होकर जाएगा स केंद्रित हो जाएगा तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी इंटेंसिटी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ जाएगी और आपके कुकर में रखे चावल पक जाएंगे ठीक है ना द राइट आंसर इज कौन के उम्मीदार पानी और चाक के मिश्रण को कैसे अलग करेंगे हाँ उत्तल दर्पण प्रकाश को फैलाता है सोडियम लिंप में कॉन्वेक्स मिरर ही यूज होता है है ना कॉन्वेक्स मिरर हमेशा सीधा आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है यह भी अपने को प्रॉपर्टी याद रखना है वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट ठीक है ना चलिए इसको आप सेडिमेंटेशन से शुद्ध करते हैं सेडिमेंटेशन क्या होता है सर बता दीजिए कुछ भी नहीं होता है सेडिमेंटेशन है ना मिश्रण का मिश्रण को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए अशुद्धि जो है वो नीचे जम जाएगी वही सेडिमेंटेशन है ठीक है चलिए वाष्पन वाष्पन और कंडेंसेशन वाष्पन और कंडेंसेशन से अपन जो है समुद्र के जल को शुद्ध करते हैं उसमें ई वेपोरेट होगा फिर उसको कंडनसेट कर लेंगे इसको जो है हम डिस्टिलेशन कहते हैं डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन ठीक है ना ये आपका सी ऑप्शन ठीक है चलिए प्रकाश को केंद्रित करना है क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो कौन के मिरर जो है प्रकाश को केंद्रित करेगा इसीलिए चावल पक जाते हैं आपने रट्टा मार रखा होगा कि चावल कैसे पक गए सर आज हमने आपको बता दिया है चावल कैसे पकते हैं क्योंकि सारा का सारा प्रकाश देखो एक चीज और करते हैं इसमें हमने क्वेश्चन देखा था जो कि आपको सेट में लगाना है क्वेश्चन कैसे देखा था ध्यान से सुनिएगा ध्यान से सुनना अगर अवतल दर्पण में कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है ध्यान से सुनना अवतल दर्पण में कोई प्रकाश की किरण मुख्य मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद वह किससे होकर गुजरेगी कौन बताएगा मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद वह किससे होकर गुजरेगी तो आपका आंसर क्या होगा क्या होगा क्या होगा फोकस से होकर गुजरेगी समझ पा रहे हो कौन कौन समझ पाया कौन कौन समझ पाया अगर कोई प्रकाश की किरण यह है सेंटर यह है फोकस यह है पोल ऐसे क्वेश्चन बनता है ठीक है ना अब दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है ना क्लियर लिख देना जिसको समझ में आया होगा दूसरा क्वेश्चन पूछता है अगर अवतल दर्पण में कौन के में कोई प्रकाश की किरण दर्पण के केंद्र से होकर गुजरती है तो दर्पण से टकराने के बाद दर्पण से टकराने के बाद वह कहाँ चली जाएगी कहां से जाएगी अगर कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है तो दर्पण से टकराने के बाद वह वापस उसी दिशा में चली जाएगी जिस दिशा से वापस आई थी ध्यान रखो उसके बाद अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण यदि कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से है ना <coughs> मुख्य फोकस से होती हुई जा रही है कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होती हुई जा रही है तो दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी क्या बात समझ में आई है ना समझ में आई हो तो लाइक का बटन दबा देना ठीक है या फिर रेगुलर रहना रेगुलर रहोगे सारी चीजें सारी प्रॉपर्टी सारे फैक्ट्री विद कंसेप्ट हम आपको याद कराएंगे हेक्सा ब्लेड जो अपन डाड़ी बनाते हैं ना हजामत आप बताइएगा हजामत बनाने में कौन सा दर्पण यूज होता है ना कान गले के जो डॉक्टर लोग हैं है ना वो कौन सा दर्पण यूज करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन है ना सो करके ही मानेंगे आज तो अपन हेक्सा ब्लेड किसके बने होते हैं हेक्सा ब्लेड हाई स्टील कार्बन के बने होते हैं है, याद रखना है ना स्टेनलेस स्टील मत लगाना देखो हम आपको इसको याद कराने का प्रयास करते हैं आप जो है ब्लेड को किस में रख देना पानी में रख देना उसमें ना जंग लग जाएगी ब्लेड के ऊपर जंग लगी हुई देखी आपने जंग लगी हुई देखिए जंग लगी हुई देखिए ब्लेड पे जंग लग जाती है अब ध्यान से सुनना ब्लेड को आप जब इसे मोड़ के तोड़ते हो पट्ट टूट जाती है टूट जाती है ना कार्बन से कठोरता आती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है इलास्टिक तो होती है लेकिन इतनी हार्ड होती है कि है ना वो टूट जाती है अगर ब्लेड स्टेनलेस स्टील की बनती तो उसमें जंग नहीं लगती समझ पाए क्या जंग नहीं लगती क्योंकि स्टेनलेस स्टील में तो जंग लगता ही नहीं है है ना हाँ क्या लिखा विपिन आपने मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है सही लिखा आपने देखो आपने एकदम सही लिखा जो अपन अवतल दर्पण में किसी फोकस से अगर रे को ला रहे हैं तो वो जो है दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर तो हो जाएगी सही तो लिखा है अपने ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं ठीक है ना चलो याद रहेगा स्टोरेज बैटरीज में सेकेंडरी स्टोरेज बैटरीज ये सेकेंडरी बैटरीज होती हैं सेकेंडरी नहीं सेकेंडरी का क्वेश्चन नहीं है ये क्योंकि सेकेंडरी बैटरीज पूछता तो ये तो रिचार्जेबल होती हैं रिचार्जेबल जो बैटरीज होती हैं जिनको रिचार्ज कर करके कर वापस यूज में लिया जा सकता है उसमें आपको एस टू एसओ फोर लगाना है लेकिन एस टू एसओ फोर तो ऑप्शन में है नहीं यानी कि ये सिंपल बैटरीज का क्वेश्चन है है ना इसमें अपने को लेड मिलेगा ठीक है ना लेड मिलेगा लेड मिलेगा क्या मिलेगा लेड मिलेगा ठीक है चलो एक रेडियो स्टेशन ठ किलो हर्ट्स की आवृत्ति पर प्रसारण करता है इतनी ये ये पूछ है। श्रंग और श्रंग के बीच की दूरी गर्त और गर्त के बीच की दूरी लेमड़ा पूछ रहा है लेमड़ा हमने कहा था ना तरंगेरी को मीटर से दर्शाया जाता है याद रखो तो रेडियो तरंगों का तरंगधेर्य होता है तीन दशमलव छुणित दस की घात दो मीटर आप इसको थोड़ा सा फील करिए इसको फील करने की कोशिश कीजिए तीन तीन दशमलव छ छ दस की घात दो मीटर एक मीटर ही अपना एक हाथ के बराबर होता है तो ये तो दस की घात दो मीटर है मतलब वहां से चलेगा वहां से आएगा कितनी ज्यादा डिस्टेंस है इसके बीच में फील कर पा रहे हो फील कर पा रहे हो देखो फील आना चाहिए पढ़ाई में जब तक फील नहीं आएगा ना जब तक मजा नहीं आएगा यह प्रकाश की वेवलेंथ होती है और यह रेडियो की वेवलेंथ होती है रेडियो इसीलिए प्रकाश की चाल रेडियो की चाल के लगभग लगभग बराबर मानी जाती है ठीक है ना <coughs> समझ पा रहे हो चलिए उदासीन विलियन उदासीन विलियन का जो पीएच मान है वो क्या हो जाएगा सात हो जाएगा सिंपल है तो सिंपल है है ना उदासीन चलो वंशा के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या हो जाएगी है ना सेशन को लाइक जरूर करना बहुत मेहनत करेंगे हम आपके लिए इस महीने तो बहुत ज्यादा तगड़ी मेहनत होगी हमारी कारण क्या है हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की कंप्लीट थ्योरी भी कराएंगे आपको थ्योरी यानी कि थ्योरी मिलेगी आपको रिकॉर्डेड रूप में है ना आप देख लेना सारी की सारी बाकी रिविजन दन, दन करेंगे क्योंकि एग्जाम्स का माहौल चल रहा है चलिए तो ये हो जाएगा आपका जेनेटिक्स ये शब्द किसने प्रपोज किया था वॉडसन ने प्रपोज किया था ठीक है चलो स्टील को कठोरता कैसे देंगे जंग से बचाएंगे क्रोमियम से कठोरता देंगे कार्बन से कठोरता देंगे कार्बन से लगाते चलो जंग से बचाएंगे जंग लगने से बचाएंगे क्रोमियम से ठीक है लगाते चलो सोनू सूरज शिवम ब्यूटी प्रतिभा दिव्या नदीम स्वाति मोनोजाइट मोनोजाइट किसकी एस्क है एस्को के क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में वो पिच ब्लेंड हो जाएगा पिच ब्लेंड यू थ्री ओ एट क्या हो जाएगा पिच ब्लेंड हो जाएगा पिच ब्लेंड पिच ब्लेंड किसकी अयस्क है पिच ब्लेंड यूरेनियम की अयस्क है यूरेनियम बहुत आता है आता है थोरियम भी आता है हमारे भारत में थोरियम जो है केरल में मिलेगा है ना भारत में थोरियम के भंडार पाए गए हैं है ना उसके बाद आगे चलते हैं मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है मानव शरीर में जल की मात्रा सेवनटी परसेंट होती है याद रखना ठीक है धरती पर जल की मात्रा सेवनटी वन कोशिका में जल की मात्रा सेवेंटी परसेंट देखो बैलेंस बना के रखा ईश्वर ने ऊपर वाले ने पानी का जो लेवल है वो बराबर रखा है कोशिका में भी पूरे शरीर में भी और धरती पर भी वही परसेंटेज है निम्नलिखित में से कौन सा नॉन फेरस नहीं है भाई नॉन फेरस नहीं है मतलब फेरस फेरस वाला आंसर हो जाएगा है ना फेरस हाँ लिथियम जम्मू कश्मीर में मिला है नॉन फेरस नहीं है अगर नॉन फेरस नहीं है नॉन फेरस नहीं है तो फेरस है भाई नॉन फेरस नहीं है तो फेरस है <coughs> लगाओ नॉन फेरस नहीं है तो फेरस है ये ऐसे नेगेटिव क्वेश्चन है ना आप इनका मतलब सही से समझा करो नॉन फेरस नहीं है तो फेरस है अगर कोई अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन फेरस नहीं है तो वो फेरस हो जाएगा हम नॉन फेरस उसको कहेंगे जिसमें लोहा नहीं है, है ना अगर कोई नॉन फेरस नहीं है तो फेरस हो जाएगा और फेरस हो जाएगा आयरन ठीक है क्योंकि आयरन नॉन फेरस नहीं है आयरन नॉन फेरस नहीं है द राइट आंसर इज आयरन आयरन नॉन फेरस नहीं है क्योंकि ये ये तो फेरस है समझ पाए बात को ये तीनों आपके जो है नॉन फेरस हो जाएंगे भाई फेरस उसको बोलेंगे जिसमें लोहा नॉन फेरस उसको बोलेंगे जिसमें लोहा नहीं है ठीक है चलो आगे चलते हैं अनुवांशिकी का पिता कौन हो जाएंगे चार्ल्स डार्विन मेहता मेंडल अनुवांशिकी अनुवांशिकी की छोटी इकाई पूछता है छोटा सा क्वेश्चन जीन जीन से ही बनते हैं डीएनए डीएनए से बनते हैं क्रोमोसोम क्रोमोसोम से बनता है क्रोमेटीन, हीरा और ग्रेफाइड, क्योंकि हमको जल्दी से खत्म करना है है ना फटाफट सेशन को सो क्वेश्चन कंप्लीट करना है है ना हंड्रेड क्वेश्चन जो है हमको कंप्लीट करना है बीस क्वेश्चन और बचे हीरा ग्रेफाइड फुलेरीन ऐसे एलिमेंट जिनके रासायनिक गुण तो समान रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं भौतिक गुण असमान होते हैं रासायनिक गुण समान भौतिक गुण असमान वो अपरूप कहलाते हैं एलोट्रोप कहलाते हैं क्या आप जानते हैं ऑक्सीजन और ओजोन भी एक दूसरे के क्या हैं एलोट्रोप है क्योंकि रासायनिक गुण समान भौतिक गुण अलग अलग ठीक है समावयवी जिनका अणुसूत्र समान संरचना अलग अलग होती है अणुसूत्र समान लेकिन संरचना अलग स्ट्रक्चर अलग अलग होता है वो आइसोमर होते हैं जीन शब्द किसने दिया था जीन शब्द किसने दिया था जीन शब्द किसने दिया था ऋषभ पंत ने नहीं दिया था uh, मेंडल ने भी नहीं दिया था डार्विन ने भी नहीं दिया था मेंडल मत लगाना फादर ऑफ जेनेटिक पूछे तो मेंडल लगाना जीन शब्द दिया था जोहानसन ने कि भैया आज से इसको जीन कहो अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई ठीक है डोलोमाइट देखो कैल्शियम की कार्बोनेट और मैग्नीशियम की कार्बोनेट को क्या बोलते हैं डोलोमाइट बोलते हैं कैल्शियम की सिलिकेट और मैग्नीशियम की सिलिकेट को क्या बोलते हैं एस्बेस्ट एस्बेस्टोसिस बोलेंगे ना इसको कैल्शियम की सिलिकेट मैग्नीशियम की सिलिकेट हां एस्बेस्टोसिस होगा एसबेस्टोस एस बेस्टोस एस बेस बोलेंगे ना। और यहां पे है आपका मैग्नीशियम की कार्बोनेट ठीक है ना मैग्नीशियम की कार्बोनेट के साथ कैल्शियम की कार्बोनेट को डोलोमाइट कहा जाता है ठीक है ना ये दोनों एस के बहुत ज्यादा पूछी जाती है जीन किसके बने होते हैं अभी अभी लगाया अपन ने देखो वैसे अगर पूछा जाए सबसे छोटी इकाई जीन है एक सिंगल यूनिट जीन है फिर वो यूनिट आप जो है न्यू न्यूक्लियोटाइड को मिलाते जाए मिलाते जाए मिलाते जाए डीएनए बन जाएगा डीएनए को मिलाते जाए आपका क्रोमोसोम बन जाएगा right ठीक है ना द राइट आंसर इज डीएनए ठीक है ना ये क्वेश्चन ऐसा होना था कि जीन्स से बने होते हैं ऐसा होना था जीन्स से बने होते हैं है ना डीएनए चलो तो आर एन ए मत लगाओ सिर्फ डीएनए लगाओ है ना कौन सी धातु प्रकृति मुक्त अवस्था में पाई जाती है मुक्त अवस्था में उसे बोलेंगे जो रिएक्टिव नहीं होगी जो अभिक्रिया नहीं करेगी <coughs> है ना तो हम यहां पर सोना चांदी सोना चांदी कॉपर ये सब लेस रिएक्टिव सबसे लेस रिएक्टिव प्लेटिनम होता है सबसे लेस रिएक्टिव प्लेटिनम होता है याद रखना अब देखो मुक्त अवस्था में कौन सी पाई जाती है अब अपने को प्रिफ्रेंस देना पड़ेगा किसको देना पड़ेगा प्रिफ्रेंस गोल्ड को देना पड़ेगा क्योंकि गोल्ड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सबसे लेस रिएक्टिव है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सबसे लेस रिएक्टिव गोल्ड है इसलिए अपने को गोल्ड लगाना पड़ेगा समझ पा रहे हो सोडियम क्यों लगा रहे हो स्वाति सोडियम क्यों लगा रहे हो क्योंकि ये तो पानी से अभिक्रिया कर लेगा है ना और ये तो इसमें धमाका हो जाएगा जल जाता है ये है ना सोडियम के हाइड्रोक्साइड बन जाएगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर जाएगी है ना आगे चलते हैं मनुष्य लोहा प्राप्त करेगा डालें अगर एग्जामिनर पूछे कि मनुष्य सबसे ज्यादा प्रोटीन किससे प्राप्त होता है तो आप दाले लगा देना पल्सेस दाले लगा देना दाले लेग्यूम होती हैं राइजोबियम मिलेगा जड़ों में ठीक है ना प्रोटीन अगर आपसे पूछे लोहा तो आप हरी सब्जियां भी याद रखें हरी सब्जियां ग्रीन वेजिटेबल्स चलो सब्जियों का संवर्धन क्या होता है कमेंट में बताओ व्हाट इज द कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल जल्दी से बताइए तो आप जो है पालक लगा देंगे कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करेगी रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना पड़ेगी इसके लिए देखो रिएक्टिविटी सीरीज होती है सीजियम, सीजियम सबसे रिएक्टिव होता है पोटेशियम फिर सोडियम है ना उसके बाद कैल्शियम मैग्नीशियम उसके बाद एल्यूमिनियम जिंक आयरन एल्यूमिनियम जिंक आयरन उसके बाद लेड हाइड्रोजन कॉपर मर्क्यूरी फिर मर्क्यूरी के बाद क्या आता है चांदी चांदी सोना और प्लेटिनम अब ये रिएक्टिविटी सीरीज है है ना आप ऊपर से नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी घटती जाती है रिएक्टिविटी घटती जाती है है देखो ये तीनों तीनों ये ये तीनों तीनों के आपके जो ऑक्सीजन से तेजी से अभिक्रिया करेंगे अगर अपन यहाँ पे देखें जैसे कि पानी में ऑक्सीजन होता है ना पानी में ऑक्सीजन होता है तो ये तीनों ठंडे पानी से अभिक्रिया कर लेते हैं कोल्ड वाटर ये दोनों आपके गर्म पानी से अभिक्रिया करते हैं ये तीनों ये पानी की भाप अवस्था से अभिक्रिया करते हैं ये क्वेश्चन हमने लगाया है कि एल्यूमिनियम जिंक और आयरन पानी की किस अवस्था से अभिक्रिया करते हैं भाप कैल्शियम मैग्नीशियम पानी की गर्म अवस्था सीजियम पोटेशियम सोडियम तो इतने रिएक्टिव है कि ठंडे पानी से भी अभिक्रिया कर लेते हैं <coughs> चलो आंसर लगा दो क्या हो जाएगा लगा दीजिए आंसर क्या हो जाएगा चलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर कौन आ रहा है कॉपर लोहा जिंक सब नीचे है कॉपर लोहा जिंक सबसे नीचे है मैग्नीशियम ऊपर है मैग्नीशियम ऊपर है बाकी कॉपर जिंक लोहा सब नीचे है option, right समझ पाए? अगर यहां पे जैसे जैसे अपन रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर बढ़ते हैं रिएक्टिविटी बढ़ती जाती समझ पाए आप इस क्वेश्चन को समझ पाए आप इस क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ समझ पाए अगर आपको कंपेरिजन करना हो जैसे कि पोटेशियम सोडियम कैल्शियम और मैग्नीशियम अब इनमें भी सबसे तेजी से कौन करेगा पोटेशियम क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है <coughs> कौन सी केटली में पानी उबलेगा पानी उसमें उबलेगा जो आपका यहां पर पानी उसमें उबलेगा जो आपका ऊष्मा <coughs> का सबसे अच्छा चालक होगा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होगा उसी में पानी उबलेगा तो ब्रास ब्रास तो कॉपर और जिंक से बनता है स्टेनलेस स्टील लोहा क्रोमियम निकेल और कार्बन से बनता है बाकी ये धातुएं हो जाएंगी द राइट आंसर इज कॉपर कॉपर ऊष्मा का अच्छा चालक है ठीक है ना चलिए आप ये बताइएगा आप ये बताइएगा ये बताना ये बताइए आप कि चांदी तो जो है वो सबसे अच्छा चालक है विद्युत और ऊष्मा दोनों का विद्युत और इलेक्ट्रिसिटी और ऊष्मा दोनों का विद्युत और ऊष्मा दोनों का दूसरा इलेक्ट्रिक बेस्ट कंडक्टर बताइए दूसरा विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है यह बताइए प्रयोगशाला में डीएनए को सिंथेसाइज कर दिया था किसने <coughs> प्रयोगशाला में डीएनए पता है आपको डीएनए का सिंथेसाइज कर दिया डीएनए का सिंथेसाइज कर दिया संपूर्ण जेनेटिक कोड को सिंथेसाइज कर दिया संपूर्ण जेनेटिक कोड को सिंथेसाइज कर दिया और उन्नीस में नोबल पुरस्कार ले लिया और अपन ने क्या किया कुछ भी नहीं किया <coughs> है ना कुछ बड़ा करके जाओ अगर धरती पे डाउनलोड हुए हो ठीक है ना चलिए हर गोविंद खुराना आ, उसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं हम कार्ल आ, कार्ल बेंस उन्होंने कृत्रिम डीएनए बनाया था याद रखना आ, बिजली की सर्वोत्तम तो आपने बताया क्या चांदी के बाद हाँ चांदी के बाद कौन हो जाएगा देखो आप भूल रहे हो क्या आप जानते हैं चांदी के बाद चांदी के बाद चांदी के बाद बिजली का सबसे अच्छा चालक होता है सोना आप याद रखें और कॉपर तीसरे नंबर पे आता है यह फैक्ट जान के कैसा लगा आपको <सक्ण> क्या आप जानते हैं कि चांदी के बाद विद्युत का सबसे अच्छा चालक सोना होता है तीसरे नंबर पे कॉपर आता है चौथे पे एल्यूमिनियम आता है चलो कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी चालक होगी क्योंकि चांदी ऑप्शन में नहीं है क्योंकि चांदी ऑप्शन में नहीं है क्योंकि सोना भी ऑप्शन में नहीं है तो अपने को जाना पड़ेगा किसके साथ कॉपर के साथ अगर बाय द वे यहां पे ई ऑप्शन गोल्ड लिखा होता क्या आप जानते हैं यहां पे गोल्ड लिखा होता एल्यूमिनियम कॉपर आयरन जिंक और गोल्ड तो आपका आंसर फिर कॉपर नहीं होता अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है हम यहाँ पे गोल्ड लगा देते अगर ये तीनों ऑप्शन साथ में मिल जाए और चौथा एल्यूमिनियम मिल जाए और फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो आपका आंसर फिर चांदी हो जाएगा ठीक है चलो हाँ क्या पूछा आपने <laughs> जॉब तक नहीं ले पा रहे और यहां पे लोगों ने जो है नोबल प्राइज जीत लिए चलो आ, लाफिंग ऑनलाइन लोल मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों देखो क्वेश्चन एग्जाम में आया था एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि ऑक्सीजन जो है भू पर्पर्टी में कितना है भू परपटी में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन का परसेंट ये पूछा था मानव शरीर में पूछ सकता है अब, मानव शरीर में पूछ सकता है मानव शरीर में पूछ सकता है ठीक है ना मानव शरीर में पूछा जा सकता है ऑक्सीजन पैसठ परसेंट होता है सबसे ज्यादा मानव शरीर में पाया जाने वाला ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे होता है आपका अठारह परसेंट कार्बन तीसरे पे होता है हाइड्रोजन नौ दशमलव तीन और तीन दशमलव दो नाइट्रोजन और मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली अगर धातु पूछे ना तो आप लगा देना मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कैल्शियम होती है हड्डियों में दांतों में मसल्स में मसल्स को अच्छे से है ना रिपेयर होने के लिए रेगुलेशन के लिए कैल्शियम की बहुत जरूरी है है ना कैल्शियम ब्लड क्लोटिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है चलिए द राइट आंसर इज ऑक्सीजन चलो 92 पे आ गए नर्वस 90 पे तो नहीं चल रहे हो नर्वस 90 पे चल रहे हो है ना पेशेंस हार गए ग्रही का जिसमें गलित धातु डाली जाती है अब देखो धातु को मेल्ट कर लेते हैं गर्म करके फिर आपको जैसा आकार चाहिए वैसा आपको सांचा लेना पड़ेगा है ना सांचा उस सांचे में उसको आप डाल दीजिए ताप का सबसे अच्छा चालक ये ताप का पूछ रहा है विद्युत का नहीं पूछ रहा है लेकिन मजे की बात यह है कि विद्युत और ताप दोनों का दोनों का साथ में इलेक्ट्रिक और हीट दोनों का साथ में फर्स्ट नंबर पे आ जाता है सिल्वर ठीक है ना सिल्वर दोनों ही दोनों ही दोनों ही दोनों ही ठीक है ना दोनों ही किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन हो जाएगा किस तत्व का सबसे पहले मुंह में पाचन हो जाता है प्रोटीन फैट कािन वाइटामिन से हमें जीरो कैलोरी मिलती है आपसे पूछे पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है तो पानी पीने से वाइटामिन से हमें कोई कैलोरी नहीं मिलती कोई हमें यहाँ पर ऊर्जा नहीं मिलेगी है ना प्रोटीन से मिलेगी अपने को आ, चार दशमलव पांच काप से मिलेगी चार दशमलव दो या चार दशमलव तीन फैट से मिलेगी नौ दशमलव तीन फैट से सबसे ज्यादा मिलती है ठीक है ना तो मुंह में ही पाचन शुरू हो जाता है बकल केविटी ओरल केविटी माउथ केविटी है ना अगर आपसे पूछे स्टार्च स्टार्च का पाचन कहां से शुरू हो जाता है तो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है कौन हमारे सलाइवा में निकलने वाला टाइलिन ठीक है ना याद रखना <coughs> चलिए आगे चलते हैं जब आप स्टील को बहुत ज्यादा गर्म करके हमने किया था ना पचास बार याद करवा दिया आपको स्टील को या लोहे को बहुत ज्यादा गर्म किया सुर्ख लाल कर दिया गर्म कर करके लाल कर दिया जैसे बचपन में हमारी मम्मी हमारे पापा हमें कूट कूट के सुर्ख लाल कर देते थे है ना इतना मारते थे <laughs> चलिए तो सुर्ख लाल कर दिया है और उसको धीरे धीरे ठंडा कर रहे हैं इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे सबसे पहले किसका आंसर आया है बस यहाँ पे एक ही दिक्कत है ओपन प्लेटफॉर्म में कि यहाँ पे पोल नहीं है पोल होना तो मजा ही आ जाए चलिए तो इसको अनिलन कहा जाता है क्या कहते हैं इसको अनिलन क्या कहते हैं इसको हाँ सूरज का सबसे पहले आंसर आया फिर दिव्या का आंसर आया सूर्खलाल, अच्छा बचपन में कौन कौन सुर्ख लाल हुआ है तो आप लिख दीजिएगा कि मैं हुआ हूँ मैं हुआ हूँ और याद रखना जो बचपन में सुर्ख लाल हुआ है ना वही जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाया है सूर्य वंशम मूवी में अमिताभ बच्चन का डायलॉग हमको याद आ गया कि जिस पत्थर को जो हथौड़ी हथोड़ी और छेनी की मार से दर्द होता हो जिस पत्थर को हथोड़ी और छेनी की मार से दर्द होता हो है ना वो कभी भी मूर्ति नहीं बन सकता है ना फिर जब वो मूर्ति बन जाता है तो भगवान की तरह पूजा जाता है है ना ऐसे ही बचपन में हमारे माता पिता ने हमें खूब ठोका <laughs> इतना ठोका कि सुर्ख लाल कर दिया है ना और है ना हमें इतना तराशा इतना तराशा कि आज हम हीरे की तरह चमक रहे हैं ठीक है ना तो माता पिता की मार कभी भी जो है चलिए अनुवांशिकी देखो अनुवांशिकी जो म्यूटेशन आ गया है वो ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया है, ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया है इसमें क्या होता है कि जीन में चेंज आता है फिर डीएनए में चेंज आता है फिर क्रोमोसोम में चेंज आता है देखो अविनाश दिव्या बस दो लोगों की कुटाई हुई है, है ना देखो जिनकी कुटाई नहीं होती ना स्कूल में घर में वो फुद्दू रह जाते हैं कुटाई बहुत जरूरी है <coughs> है ना <laughs> चलिए आवर साइणी की एक ही पीरियड सेम पीरियड में कौन से एलिमेंट है अगर हम आधुनिक आवर साइणी की बात करें तो उन्नीस में बनी जो कि मोसले ने बनाई और मोसले के गुरु कौन थे मोसले के गुरु थे अठारह में छेनो में है ना तो यहाँ पे क्या है कि जो है मेंडलीफ के समय तक 63 तत्व खोजे गए थे 63 63 एलिमेंट सेम पीरियड में आपको मिलेगा सोडियम और क्लोरीन कैसे मिलेगा आपको याद रखना है हलीना की रब से फरियाद रब से फरियाद हलीना की रब से फरियाद ठीक है ना हलीना की रब से फरियाद ये तो याद है ना आपको चलिए ये पहला आवर्त है ये दूसरा आवर्त है ये तीसरा ये चौथा ये पांचवा ये छठा सात तो पीरियड है और अठारह है है ना सात तो ग्रुप है पीरियड है आप देखिए सोडियम 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 और सोडियम में ही आगे चलकर आपको मैग्नीशियम फिर एल्यूमिनियम है ना और फिर यहाँ पे आपको मिलेगा क्लोरीन क्या मिलेगा यहाँ पे आपको तीसरे आवर्त में दोनों की बैलेंसी एक एक होती है है ना तो ये तीसरे आवर्त के हो जाएंगे ठीक है ना तीसरे आवर्त के हो जाएंगे याद रखेंगे आप एक ही अवधि में बाकी आपका देखो सोडियम और कैल्शियम आपका लिथियम के बाद बेरिलियम और कैल्शियम यहाँ पे मिलेगा कैल्शियम क्लोरीन अलग अलग आवर्त में मिलेंगे क्लोरीन ब्रोमीन अलग अलग आवर्त में मिलेंगे भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है क्वेश्चन नंबर नाइनटी एट भोजन का पाचन मुंह से शुरू हो जाता है लेकिन आप कमेंट में बताइएगा कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है प्रोटीन की जो छोटी इकाई है वो अमाइनो एसिड होती है अमाइनो अम्ल बीस प्रकार के अमाइनो अम्ल चाहिए मानव को है ना ग्यारह शरीर खुद बना लेगा नो बाहर से खाना पड़ेंगे जो बाहर से खाना पड़ते हैं ना उसको अपन जो है असेंशियल अनिवार्य अन, अम्ल बोलते हैं क्योंकि आप खाना ही पड़ेंगे आपको नो शरीर खुद बना लेगा इसलिए इसको अन, अनिवार्य या जो है नॉन असेंशियल हम अमाइनो एसिड बोलते हैं जल्दी से बताओ प्रोटीन का पाचन कहा से शुरू होगा आपने दो आयताकार पट्टी ली दो आयताकार पट्टी ली आपने ठीक है एक तांबे की है दूसरी स्टील की है एक कॉपर की है दूसरी स्टील की है अब आपने क्या किया कि आपको द्विधातुक पट्टी बनाने के लिए इसको एक साथ रिवेट करोगे इसको जोड़ोगे आप रिवेट करना है कि ठोक के जोड़ देना प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है कौन बताएगा स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरू नहीं होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो खत्म हो जाएगा प्रोटीन का पाचन वहां पे इरेप्सिन होता है देखो पेट से शुरू होगा पेट में होता है पेप्सिन वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ेगा और फिर आपका जो पॉलीपेप्टाइड है वो अमाइनो एसिड में टूटेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कि इरेप्सिन एंजाइम तोड़ेगा लगा दो जी क्या लगाओगे देखो इसमें ऊष्मा का अच्छा चालक कौन है क्योंकि कॉपर ऊष्मा का अच्छा चालक है इसलिए ये जो प्लेट है आपकी रिविट करते समय तांबे के साथ झुक जाएगी है ना तांबे के साथ जो है ये झुक जाएगी समझ पा रहे हो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा क्योंकि कॉपर उषमा का अच्छा चालक है ठीक है ना अच्छा पापी पेट सेल जो है किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम नाम दिया सेल की खोज हुई थी सोलह में सोलह ही आएगा ना कि अठारह आएगा अठारह सो पैसठ है कि सोलह सौ पैंसठ है चलो जल्दी से कंफर्म करो तो यहां पे कॉर्क कॉर्क यानी कि शैंपियन का ढक्कन इसमें डेड सेल सबसे पहले मृत कोशिका की खोज किसने की थी है ना डेड सेल थी याद रखना और ये कौन सी सेल थी ये प्लांट सेल थी यानी कि सबसे पहले प्लांट सेल की खोज हुई है है ना तो आ, यहाँ पर रोबर्ट हुक इसने सेल को पहले सेला नाम रखा था सेला आ, ये जो शब्द है ये लेटिन भाषा से लिया गया है है ना सेल शब्द लेटिन भाषा से लिया गया है ग्रीक मत लगा देना बायोलॉजी जूलॉजी और वोटनी ग्रीक से लिए गए ठीक है ना एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन खोजा सोलह ही आएगा अठारह मत लगाना सोलह माइक्रोग्राफिया किसकी बुक है माइक्रोग्राफिया किसकी बुक है भैया रॉबर्ट हुक की ही बुक है रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका का नाभिक खोजा था कोशिका का नाभिक परमाणु का नाभिक रदरफोर्ड ने खोजा था इसी के साथ एंड ऑफ द स्लाइड शो सो क्वेश्चन कंप्लीट हुए है ना और आप जो है इसी प्रकार से बने रहे हमारे साथ ऐसे ही हम धूम मचाते रहेंगे ठीक है ना तो आई होप आज का सेशन बहुत मददगार साबित हुआ होगा आपके लिए क्योंकि हमने अधिकतम रिविजन किया है माइक्रोग्राफिया हुक की बुक का नाम है ठीक है ना आप रेगुलर बने रहे हम आपको कुछ अधिकतम जानकारी दे देते हैं देखिए सुबह नौ बजे जुड़ जाया करो देखो रिवीजन जरूरी है यार आप पोल का क्यों इंतजार करते हैं रिवीजन जरूरी है है ना रिवीजन हमारे लिए बहुत ज्यादा क्योंकि पोल की आदत लग गई है बच्चों को बच्चों को है ना पोल की आदत लग गई है भैया पोल में आप जो है रेटिंग ला रहे हैं उससे क्या होगा एग्जाम में रेटिंग लाओ उसमें आपका जो है उसमें मजेदारी है है ये ऐप पर होती है हमारी क्लास और रोजाना आप यूट्यूब पे भी जुड़ा करो है ना 12 पीएम से 1 पीएम अब क्योंकि आज हमें सो क्वेश्चन करना थे आज हमारा संडे मैराथन भी था संडे क्या होता है मैराथन क्लास होती है तो मैराथन में अपन दौड़ लगाते हैं ठीक है ना क्लास जो है यूट्यूब पर होती है यूट्यूब और रोजाना हम यूट्यूब पे मिलेंगे 12 से 1 के बीच में ठीक है ना अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें रेगुलर रहें सुबह नौ रात को 11 और 12 से 1 के बीच में है ना देखो जो है आपका हवलदार है ना उसमें सेशन जो टू होना है उसमें पच्चीस पच्चीस क्वेश्चन पूछे जाने हैं पच्चीस क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे पच्चीस क्वेश्चन इंग्लिश

यहाँ पे आपको मैथ्स और रीजनिंग पूछा जाना है ये सिर्फ क्वालिफाइंग राउंड होगा इसमें क्वालिफाई होगे तो ही सेकंड सेशन की कॉपी चेक होगी आपकी है ना तो आ, सेशन वन सेशन टू दोनों साथ में होएगा आपको याद रखना है सत्ताईस या इक्कीस तारीख लास्ट है आप जो है फॉर्म सबमिट कर दें है ना तो आ, आप जो है फॉर्म जरूर का तो फॉर्म है उसमें भी आपका एस वाले तो फ्री फोकट में मजे लेंगे तो यहाँ पे जो है आप फॉर्म जरूर भरें इससे एग्जाम का अनुभव एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम का अनुभव होना भी जरूरी है एग्जाम हॉल का प्रेशर अपन कैसे जो है अटेंड कर रहे हैं उसका अनुभव होना बहुत जरूरी है है ना चलिए देखिए जंग लड़ने के लिए सिर्फ तलवार चलाना सीखना काफी नहीं है है ना शस्त्रों को चलाना सीखना काफी नहीं है जब आप जंग लड़ने जाते हैं तो वो मैदान का अनुभव भी आपके अंदर होना चाहिए कि क्या माहौल रहता है तो ऐसा ना समझे कि यार मैं हवलदार बनने के लिए थोड़ी आया हूं बहुत अच्छी पोस्ट है भैया जब इनकम टैक्स वगैरह वो रेड आपने देखी स्पेशल छब्बीस 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 में जो रेड डालने जाते हैं है ना जो अधिकारी होते हैं इनकम टैक्स के तो उनके साथ जो हवलदार होते हैं ना वो है आपका एस एस हवलदार आप हवलदार वो वाला मत समझना ले लेना कॉन्स्टेबल हवलदार कौन सा है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट uh, जब रेड डालने जाएंगे कहीं पे तो उन अधिकारियों के साथ जो पुलिस वाले जाएंगे वो है आपका हवलदार सो बाय बाय टेक केयर थैंक यू वेरी मच है ना आज तो रही हमारी मैराथन क्लास और आपने बहुत अच्छे से इंजॉय किया आज की क्लास को बस रेगुलर बने रहो हम आपको पैरल सेट करवाएंगे अब तो जीके भी है हमारे पास सो लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो थैंक यू थैंक यू वेरी मच बाय बाय टेक केयर जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की जय नहीं करंट अफेयर नहीं क्योंकि करंट अफेयर में बच्चा दूसरी जगह जो है एडजस्ट है जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर अलग ही पोर्शन हो जाता है है ना वहां पे बच्चा जिससे पढ़ रहा है ना उसी से पढ़ेगा अब अगर हम करंट अफेयर भी शामिल कर देंगे तो दूसरी चीजें अपनी छूट जाएंगी है ना तो करंट अफेयर को छोड़ के अपन सब करेंगे ठीक है चलिए बने रहो थैंक यू थैंक यू वेरी मच ख्याल थेंक्य� रखिए हैप्पी संडे इंजॉय योर डे चैनल को सब्सक्राइब करना है लिंक को शेयर करना है सेशन को लाइक जरूर करना है ठीक है और रोजाना आपको ज्वाइन होना है मल्टीपल डिविजन इज सक्सेस की थैंक यू वेरी मच ख्याल रखो ठीक है ना बाय टेक केयर लेट्स क्रैक इट